हेलो बच्चों मायशल ताराचंद टीम मैथ सी एल सीकर आज हम लोग देखते हैं हमारी मैथ कैम का टेस्ट नंबर थर्ड जिसका अंदर हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज इस टॉपिक के अंदर देखिए हमारे दो टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड फाइव इंटीज टाइप के क्वेश्चन तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन उसके अंदर सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है देखिए वो है इफ द इक्वेशन दिस हैज फोर पॉजिटिव रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एच देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके चार रूट्स है तो इसके अगर चार रूट्स है तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं इन चार रूट्स की हेल्प से यहां से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों क्योंकि हमें देखिए पहले और एक आखिरी दो नंबर्स दिए गए हैं तो यहां से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी और वो कितनी है माइनस बी बाई ए सो माइनस ऑफ माइनस फोर दैट इज प्लस फोर बाई वन विल बी फोर सिमिलरली एल्फा बीटा गामा डेल्टा इन चारों के प्रोडक्ट की बात करें तो दैट विल बी बाई ए कितना हो जाएगा अगेन वन लेकिन देखिए तो चार वेरिएबल है और दो आ, दो इक्वेशन हमारे पास में तो तो डायरेक्ट से वैल्यूज नहीं निकलेगी तो इसके लिए देखिए आपको दे रखा है कि पर पॉजिटिव रूट्स ठीक है ना पॉजिटिव रूट्स दिया गया है और साथ में यह भी पता है कि यहां पर सम और प्रोडक्ट तो हमें एक चीज क्लिक करनी चाहिए इनिक्वलिटी होती है हमारी और ये इक्विलिटी होल्ड कब करती है एयर एटिक मीन इक्वल कब होता है ज्योमेट्रिक मीन के जब आपके सामने क्या हो जब आपके सामने नंबर्स बराबर हो तो यहां पर अगर इन चार नंबर्स का अगर अपन अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो चार नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना होगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई फोर तो इसका वैल्यू फोर दे रखा है अपने को सो फोर बाई फोर सो दैट विल बी इक्वल टू वन तो ये आ गई अपने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ऐसे अगर मीन तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसकी वैल्यू भी तो इनका देखिए अर्थमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं और ये दोनों जब बराबर होते हैं तो ऐसा कब होता है जब हमारी नंबर्स बराबर होते हैं और नंबर्स क्या है यहां पर एल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा अगर बच्चों ये चारों नंबर्स बराबर है तो इसमें सबको अगर अल्फा कर दे तो फोर अल्फा बराबर फोर दैट मीन अल्फा बराबर वन दैट मीन इन चारों की जो वैल्यूज होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में वन आ जाएगी क्लियर है अब देखिए सिमिलरली अपने को क्या करना है सिमिलरली अपने को ए और बी निकालना है तो ए क्या होगा यहां पर अगर आपको ध्यान से पता होगा ठीक है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ टू एट ए टाइम ठीक है ना दो दो को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है सम करना है ठीक है तो पर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए एल्फा के साथ में पहले सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस एक वैल्यू हमारे पास में और रहेगी गामा को डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू कितना होगा माइनस सी बाई ए सो इक्वल टू माइनस ए ठीक है एल्फा बीटा गामा डेल्टा सबकी वैल्यू वन है तो देखिए यहां पर वन वन जब पुट करेंगे इस पूरे के अंदर तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आ आ जाएगा सो इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास माइनस सिक्स ठीक है ए माइनस सिक्स आ गया है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा फोर है सिमिलरली अपन बी भी निकाल लेते हैं और बी कितना आएगा हमारे पास में तो बी निकालने के लिए क्या करना है तीन तीन को मल्टीप्लाई करना है मीन एक को छोड़ देते हैं सो so, एल्फा बीटा गामा प्लस पहले हमने डेल्टा को छोड़ दिया अब गामा को छोड़ दीजिए अल्फा बीटा डेल्टा अब बीटा को छोड़ दीजिए अल्फा गामा डेल्टा अब एल्फा को छोड़ दीजिए बीटा गामा डेल्टा बराबर कितना होगा प्लस बी होगा ना इस बार प्लस साइन आएगा ऑल्टरनेट आते हैं प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस आ, फिर आपके सामने लास्ट में वो कितना आएगा यहाँ पर माइनस ठीक है सबसे पहले इसमें माइनस साइन आया था फिर यहाँ पर आपके सामने कितना आएगा अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा ठीक है ना ये कितना आएगा आपके पास में ए विल बी इक्वल टू सिक्स इसमें नेगेटिव अब इसमें पॉजिटिव अब यहां पर क्या आएगा यहां पर नेगेटिव आएगा वापस ठीक है और फिर लास्ट में इसके अंदर हमारे पास में क्या सा, कैसा साइन आया था पॉजिटिव साइन आया था यहां की वैल्यूज वन पुट करेंगे तो यहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस फोर ठीक है ना एल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कितने हैं वन सो so, इसकी वैल्यू हमारे को पहले से पता थी दैट विल बी इक्वल टू कितना ये था हमारे पास में फोर ए की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, that will be six, and B निकाल चुके हैं हैं दैट दैट विल बी एंड की वैल्यू अपन निकाल इज चुका तो इससे ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों सिक्स और यही है हमारा सही आंसर और ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन सो क्वेश्चन नंबर वन का जो सही आंसर होगा आपका दैट इज थर्ड ऑप्शन क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में क्या है देखो हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर में आपको दिया वैल्यू ऑफ दी लार्जेस्ट पॉजिटिव ट्रम ऑफ एन एचपी हुज फर्स्ट टू आर दिस देखिए एक एचपी की आपको दो ट्रम दी गई है और इसकी लार्जेस्ट ट्रम हमें निकालनी है ठीक है तो देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले तो क्योंकि ये एचपी की दो ट्रम है तो यहां से अगर मैं एपी की बात करूं ठीक है तो एपी की पहली दो ट्रम हो जाएगी आपके सामने फाइव बाई टू कोमा ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेल्व ये होगा क्योंकि हमें तो एचपी का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको एपी में कन्वर्ट करते हैं हमेशा अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस बच्चों मैं डी मान लेता हूं तो यहां से डी विल बी इक्वल टू कितना ट्वेंटी थ्री बाई 5 बाई टू ठीक है इसमें एलसीएम ले, ले लेते हैं कितना आएगा देखिए एलसीएम विल बी ट्वेल्व इससे डिवाइड करेंगे सो ट्वेंटी थ्री माइनस टू से डिवाइड करेंगे सिक्स सिक्स इंटू फाइव देर विल बी थर्टी सो योर आंसर विल बी माइनस सेवन बाई तो ये इस एपी की क्या हो गई बच्चों एक जनरल टर्म हो गई दैट इज माइनस सेवन कॉमन डिफरेंस हो गया डी इक्वल टू माइनस सेवन बाई है अब बात कर लेते हैं इसकी जनरल टर्म की तो जनरल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं ए एन विल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए कितना है फर्स्ट टर्म विन माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस सेवन बाई फिर से देखो इसमें LCM लेते हैं तो देखते हैं से से देखो कितना कितना आ रहा है हमारे हमारे पास पास में में के लिए आएगा LCM लेंगे 12. 2 से किया 6, 6 into 5, 30. Minus 7 N, और माइनस माइनस प्लस सेवन तो यहां से ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास थर्टी सेवन माइनस सेवन एन डिवाइड बाई है अच्छा ये है आपके पास में एपी की nth क्रम तो hp की nth क्रम क्या होगी बच्चों इसको उल्टा कर दीजिए सो दैट इज 12 डिवाइड बाय 37 minus 7n अच्छा इसके अंदर देखो जैसे-जैसे आप n की वैल्यूज पुट करोगे आपके आंसर्स भी आते रहेंगे जैसे आपने n की वैल्यू 1 पुट की सो so, 12 बाय कितना हो जाएगा 30 12 बाय 30 को सिंपलीफाई करोगे तो 2 बाय 5 ये देखिए फर्स्ट टर्म अंदर टू पुट कीजिए आपको ट्वेल्व बाई ट्वेंटी थ्री ये सेकंड ट्रम आ गई ठीक है लेकिन आपसे पूछा क्या है द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पॉजिटिव ट्रम ऑफ एन एचपी तो देखो जैसे जैसे आप एन की वैल्यूज बढ़ा रहे हो तो क्या हो रही है ये वैल्यू थर्टी सेवन से डिक्रीज हो रही है, 37 से कम हो रही पहले थर्टी थ्री पी ट्वेंटी थ्री ऐसे आगे चलोगे तो और कम होगी लेकिन आपसे पूछा लार्जेस्ट पॉजिटिव ट्रम बट हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव ट्रम कुछ ही टाइम तक रहेगी बाद में नेगेटिव हो जाएगी ठीक है तो लास्ट पॉजिटिव ट्रम कब आएगी ये ठीक है तो उसके लिए आप चाहो तो इसे अलग से चेक कर सकते हो कि थर्टी सेवन माइनस सेवन एन ग्रेटर देन जीरो कब होगा ठीक है सेवन एन विल बी लेस देन थर्टी सेवन एन विल बी लेस देन डिवाइड करेंगे सो फाइव पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास मीन्स uh, पांच से छोटा नंबर अगर होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा तो लास्ट पॉजिटिव कब आएगा हमारे पास में जब एच फाइव होगा एन की वैल्यू जब फाइव होगी तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ट्वेल्व डिवाइड बाई थर्टी सेवन माइनस थर्टी फाइव टू दैट विल बी इक्वल टू सिक्स और आपसे देखिए क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पॉजिटिव ट्रम मीनस उस ट्रम की वैल्यू निकालनी तो उस ट्रम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों अगेन होगी इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एन की वैल्यू निकाल देते हैं आपसे एन नहीं पूछा है महत्म धनात्मक पद का मान क्या होगा जिसके प्रथम दो पद आपको टू बाई फाइव और ट्वेल्व बाई ट्वेंटी थ्री दिए गए हैं क्लियर है सभी को यह था हमारा क्वेश्चन नंबर टू चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री वन मिनट हाँ। क्वेश्चन नंबर थ्री इसके अंदर देखो क्या दे रखा है नंबर ऑफ ऑफ दी दी कॉमन टू टू देखिए पर दो सीक्वेंसेज आपको दी गई है और बताना है संख्या ठीक है ना उभयनिष्ठ पद कितने हैं वो हमें निकालने हैं तो कैसे करते हैं देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या कीजिए इन दोनों सिक्वेंसेज की कॉमन टर्म को पहचानिए कि कौन सी कॉमन टर्म होगी ठीक है तो देखो यहां से अपने को सीधा सा दिखाई दे रहा है ट्वेंटी वन हमारा इसके अंदर भी था और ट्वेंटी वन हमारा उसके अंदर भी है ठीक है ना दोनों के अंदर है सो so, दोनों के अंदर है तो यहीं से आपको यह पता चल जाएगा कि दोनों की जो पहली टर्म होगी वो होगी बच्चों हमारी ट्वेंटी वन अब बात करते हैं कि दूसरी टर्म क्या होगी तो एक तरीका कि लिख के देखें और दूसरा तरीका देखो अपने तो को पता होता है इसका है और इसके कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा ना वो हमारी इस सीरीज का एलसीएम होगा ठीक है तो इसका एलसी इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों डी फोर और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, so, है तो सिक्सटी वन आप लिख के देख सकते इसके अंदर ये दोनों इन दोनों का एलसीएम है ना लघुतम समापर्ति लिस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है कितना आएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी है अगर

ठीक है तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि आपकी जो एन टर्म है वो लेस देन होनी चाहिए फोर वन सेवन अच्छा ये क्यों नहीं लगाया फोर सिक्स सिक्स क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो आंसर फोर वन सेवन से ज्यादा भी हो सकता है जबकि इस वाली सिक्वेंस में चार सौ सत्रह से बड़ी ट्रम हमारे पास में है ही नहीं तो अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं इस सीरीज के लिए तो पहली ट्रम ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन इन कॉमन डिफरेंस विल बी ट्वेंटी विल बी लेस देन फोर वन सेवन ठीक है ट्वेंटी वन को इधर लाके सपरेट कर देते हैं और ट्वेंटी से डिवाइड कर देते हैं देखो कितना आएगा ट्वेंटी वन सपरेट करेंगे तो सिक्स सेवन माइनस वन सिक्स ट्वेंटी वन सो कितना आ जाएगा सॉरी सेवन माइनस वन इलेवन माइनस टू देर विल बी नाइन और दिस विल बी थ्री सो थ्री नाइनटी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू से डिवाइड करेंगे वन Uh, फिर टू से इसके अंदर डिवाइड किया हमने ठीक है सो नाइनटीन सो देर विल बी नाइन और फिर एट फिर एक डेसिमल लगा दिया हमने नाइनटीन पॉइंट एट लेकिन ये किसकी वैल्यू है एन माइनस वन की तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एन विल बी लेस देन ट्वेंटी पॉइंट एट मीन्स एन का वैल्यू ट्वेंटी एट से लेस होगा और ट्वेंटी का क्या मतलब है कि जब जब एन की वैल्यू ट्वेंटी एट से कम होगी ठीक है तब तब इसके अंदर टर्म्स मिलेगी हमें तो हमें इसमें क्या पूछा नंबर ऑफ कॉमन ट्रम तो लास्ट जो नंबर होगा हमारे पास में वो इसको सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा होगा एन बराबर ट्वेंटी और सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा एन बराबर वन एन इक्वल टू वन पर कितना आएगा ट्वेंटी वन आएगा ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी हमारे पास में ट्वेंटी so, है? है. है? हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर सेम ऑप्शन आपको दिए गए हैं आप किसी भी साइड में देख के अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है आपको एक श्रेणी दे रखी है और वो श्रेणी है आपके पास में गुणोत्तर श्रेणी है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी एन ठीक है दीक्वेंस बी एन इज ए ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन बी फोर अपॉन बी सिक्स विल इक्वल टू वन बाई फोर बी टू प्लस बी फाइव विल बीवल टू, टू टू वन सिक्स बी एन आपके पास में इंटीजर्स है ठीक है देन दी वैल्यू ऑफ बी वन मीन्स आपको इस श्रेणी की पहली टर्म निकालनी है कितनी होगी आइए बात करते हैं देखो मान लेते हैं कि ये जो जीपी है इसका जो हमारे पास में जो पहली ट्रम है ठीक है ना वो कितनी है ए है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है R है है ठीक तो बी फोर का क्या मतलब होगा बच्चों का मतलब होगा A R A R की पावर और ये कितना देर का है अपने को वन बाई फोर ए से ए कट जाएगा आर क्यूब भी कट जाएगा सो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा फोर मीन आर की दो वैल्यूज आ सकती है या तो टू या फिर माइनस टू दोनों पॉसिबल है कुछ भी हो सकता है चलिए आगे बात कर लेते हैं बी टू प्लस बी फाइव विल बी इक्वल टू टू वन सिक्स ठीक है तो बी टू का मतलब होगा बच्चों ए आर प्लस ए आर की पावर फोर विल बी इक्वल टू टू वन सिक्स यहां से अपन ए निकालते हैं देखो ए विल बी इक्वल टू कितना होगा टू वन सिक्स डिवाइड बाई आर की पावर फोर प्लस आर ठीक है ना आर की पावर फोर प्लस आर अब देखो आर की क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है तो दोनों पॉसिबल है दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और उसके दो A आएंगे देखते हैं कि कौन सा ए होगा सबसे पहले बात कर लेते हैं के ऊपर जो A की वैल्यू आ रही है उसको ए वन नाम दे देते हैं और ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है देखो ठीक है सो ए वन आएगा हमारे पास में टू वन सिक्स डिवाइड बाई टू की पावर फोर विल बी सिक्सटीन प्लस टू दैट इज एटीन सो टू वन सिक्स डिवाइड बाई एटीन

अच्छा इसमें सेवन से डिवाइड नहीं होगा दैट ये डेसिमल में आएगा नंबर ठीक है और आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि बी एन बिलोंग टू इंटीजर्स मीन इसकी जो टर्म्स है आपके सामने वो कैसी ट्रम्प से बच्चों इंटीग्रल ट्रम्प से इसलिए आपके पास में यहां पर ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा अगर ये चीज नहीं दी हुई होती तो ये आंसर भी हो सकता था ठीक है फिर अपन ऑप्शन के हिसाब से भी देखते कि कौन सा हमें ऑप्शन में दिया गया है क्लियर है बट फिलहाल हमारे पास में यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन क्लियर है सभी को चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या करना है हमें आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां पर आपको दे रखा है देखो लेट 1 log xy log y z 15 log z x will be The the first four terms of of an AP, AP if all the terms of AP being real, then the common difference d of the AP satisfies the equation. dekho आपको ये चार terms दे रखी है और आपको कहा गया है ठीक है कि ये चार जो ट्रम है ये एपी की पहली चार ट्रम है ठीक है ना इफ ऑल दी terms ऑफ एन एपी ठीक है सारी की सारी एपी की ट्रम है और फर्स्ट फोर terms है ठीक है इसके बाद में अगर इधर देखें माना ये सारी किसी समांतर श्रेणी के पर, पहले चार पद है ठीक है ना प्रथम चार पद है यदि सभी पद वास्तविक है तो समांतर श्रेणी का में से कौन सी समीकरण को संतुष्ट करेगा ठीक है करता है कौन सी समीकरण को संतुष्ट करता है तो देखो तो मान लेते हैं कि हमारी जो सिक्वेंस है इस सिक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों वो कितना है वो है हमारे पास में डी ठीक है और अगर कॉमन डिफरेंस अगर डी है हमारे पास में ठीक है तो पहली दो ट्रम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बच्चों? तो रिलेशन लिख सकता हूं D +1 will be equal to, इसको लिख दिया मैंने लॉग एक्स डिड बाई लॉग वाई ठीक है ऐसे ही बच्चों जो पहली और तीसरी टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा बच्चों 2d होगा टू so, डी बराबर कितना हो जाएगा टू डी बराबर लॉग वाई जेड माइनस वन वन को इधर ले आए सो टू डी प्लस वन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों लॉग वाई अपॉन लॉग जेड ठीक है सिमिलरली बच्चों पहली और चौथी टर्म का जो डिफरेंस होगा वो थ्री डी होगा सो so थ्री डी प्लस वन ठीक है या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वन के अंदर अगर डी एड करोगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी टू डी एड करोगे तो तीसरी आ जाएगी और वन में थ्री डी एड करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी जिसकी वैल्यू दे रखी अपने को बच्चों माइनस फिफ्टीन लॉग जेड डिवाइड बाई लॉग एक्स ठीक है ना ये तीन टर्म हमें दे रखी है ठीक है अब हमें करना क्या है हमें इन तीनों रिलेशन से ये ये और ये जो रिलेशन है इसे डी के अंदर एक रिलेशन निकालना है डी में एक संबंध निकालना है कि कैसा संबंध आएगा ठीक है तो कैसे निकालेंगे अपन वो संबंध तो एक काम करते हैं देखो बच्चों इधर ऊपर है इधर नीचे है इधर 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 नीचे नीचे है है ऊपर ऊपर तो एक काम करते हैं तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ना मल्टीप्लाई बाई वन टू एंड थ्री ठीक है ना इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये टर्म कट जाएगी और हमें मिलेगा बच्चों डी प्लस वन इंटू टू डी प्लस वन इंटू थ्री डी प्लस वन विल इक्वल टू माइनस फिफ्टीन ठीक है इससे लॉग जेड ऊपर और माइनस फिफ्टीन उधर रह जाएगा बाकी सब जगह पर हमारे पास में कितना आ रहा है वन आ रहा है क्लियर है करते हैं देखो बात इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर कितना आएगा थ्री इंटू टू सिक्स विल बी सिक्स डी क्यूब इसके अलावा इसके बाद में कितना आएगा देखो टू प्लस थ्री प्लस वन ठीक है तो यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री सो दे सिक्स डी ठीक है और कितना आएगा दो दो को प्रोडक्ट करो दो तीन टू दो छ और दो आठ आठ प्लस तीन ग्यारह सो इलेवन डी स्क्वायर और लास्ट में कितना आएगा बच्चों वन और उस फिफ्टीन को भी इधर ले आए सो दैट विल भी इक्वल टू जीरो तो ऐसा ऑप्शन होगा अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको 6d³ 11d² 6d plus 16 15 plus 1 कितना हो जाएगा 16 सो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों वो है हमारा फिफ्थ ऑप्शन क्लियर है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं नंबर में आपको दे रखा है कि लेट एस वन एस टू एंड एस थ्री एंड टी वन टी टू टी थ्री टू अर्थमेटिक टी दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन चलिए बात करते हैं इस क्या आंसर आ रहा है हमारे पास में तो यहां पर है सिग्मा एस si. आई तो सिग्मा एस आई का मतलब हुआ बच्चों एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं अपन एस वन प्लस एस टू प्लस एंड सो ऑन एस टेन विल बी इक्वल टू दस तक सब निकालना है इधर है हमारे पास टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू इधर टी फिफ्टीन तक हमें सब निकालना है एक काम करते हैं बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कैपिटल डी इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं स्मॉल डी ठीक है फर्स्ट टर्म दोनों की देर की है और दोनों का यह भी रखा है कि बराबर है एस वन बराबर टी वन तो इसको ए के बराबर मान लेते हैं ना पहली टर्म जो है दोनों की उसको ए के बराबर मान लेते हैं और इसका कॉमन डिप्रेस डी और उसका कैपिटल डी चलिए बात करते हैं इसके अंदर कितना आएगा देखिए तो यहां से आएगा देखो आ, दस टर्म है सो टेन बाई टू इंटू टू ए प्लस टेन माइनस वन विल बी नाइन इंटू डी विल बी इक्वल टू इधर कितना है देखो फिफ्टीन बाई टू इंटू इसकी पहली टर्म भी ए है ठीक है सो दैट विल बी टू ए प्लस फोर्टीन इंटू कैपिटल डी ये आ जाएगा हमारे पास देखो इस दो से दो कट जाएगा ये पांच से कट जाएगा बच्चों दो बार और ये कट जाएगा हमारे पास में तीन बार ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार थोड़ा फिर यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे सीधा भी कर सकते हो वैसे d का मतलब क्या होगा बच्चों s2 टू माइनस एस है ना d का मतलब क्या होगा s2 टू माइनस एस और a को भी अ चलो उसके बारे में बात बात करते हैं तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4a प्लस 9 स्मॉल d का मतलब हुआ बच्चों s2 minus s1 9 into 2 2 भी है ना 18 हो जाएगा ये ठीक है बराबर 3 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 6a और यहां पर है uh, 14 into 3 42 into d d का मतलब होगा बच्चों यहां पर t2 minus t1 अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि देखे कि ये कटेगा ही नहीं 4 है और 6 है तो फिर अपन इसको आगे कैसे सोल्व करें मतलब ऐसे कंफ्यूज्ड जेंट टाइप में ऐसा हो जाएगा बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों इसको उधर ले जाते हैं 2a आ जाएगा तो यहां पर है आपके पास में 18 टाइम s2 minus s1 will be equal to 2a plus 42 into t2 minus t1 अब देखो a को अपन पुट कर देते हैं किसके फॉर्मेट में a अपन ने किसको माना था एस वन बराबर टी वन ए को ओपन पुट कर देते हैं टी वन तो ये कितना आ, आ टू टी वन प्लस फोर्टी टू इंटू टी टू माइनस टी वन ठीक है ना चाहे तो आप इधर भी इसको पुट करके यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते थे ठीक है लेकिन मैंने उस साइड में वहां पर कर लिया है ठीक है तो से देखो अपने तो क्या आ रहा है हाँ तो अब देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि इसको डायरेक्टली निकालने की एस टू माइनस एस वन और टी टू माइनस टी वन डायरेक्ट आ जाए बट अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें तो देखिए हमें ये जो रिलेशन दे रखे ना हमें इनका यूज भी तो करना है ये किस लिए काम में आएंगे तो एक काम करते हैं पहले t1 t2 सबको s के अंदर लिख देते हैं और s1 और s2 में रिलेशन निकाल देते हैं कि क्या आएगा ठीक है तो क्या आ रहा है देखो 18s2 18s1 will be equal to 2t1 t1 को क्या पुट कर सकते हो बच्चों s1 सो दैट विल बी 2s1 42t2 t2 क्या पुट कर सकते हो बच्चों t2 को पुट कर सकते हो आप s2 2 दैट विल बी s2 2 माइनस फोर्टी टू इसको वापस क्या पुट कर सकते हो बच्चों फोर्टी टू तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास में इसको सिंपलीफाई करते हैं देखो इस, इसको काट देते हैं देर विल बी ट्वेंटी वन तो कितना आ रहा है आइए देखते हैं इसको मिटा देते हैं इधर से देखिए एटीन एस ठीक है उधर है ट्वेंटी वन उस साइड में लेके जाते हैं इसको तो ये हो जाएगा देखो थ्री ठीक है ये उधर चली गई उसके साथ में जाके मिल गई बाकी सब एस वन के अंदर है उधर देखो फोर्टी टू प्लस टू सो देर विल बी माइनस फोर्टी एस वन और साथ में इधर से जाके हो जाएगा प्लस एटीन एस वन विल बी इक्वल टू जीरो सो थ्री एस टू बराबर आ गया हमारे पास में कितना ट्वेंटी टू एस वन ठीक है सो एस टू की जगह पर आप पुट कर सकते हो बच्चों कितना ट्वेंटी टू बाई थ्री एस वन अब देखो ये वैल्यूज़ क्या करते हैं ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं अपन जो आपसे पूछा गया है उसके अंदर पूरा का पूरा आपका आंसर सीधा आ जाएगा कितना आएगा देखो क्या है एस टू माइनस एस वन एस टू की जगह कितना पुट कर सकते हो बच्चों ट्वेंटी टू बाई थ्री एस वन माइनस एस वन डिवाइड बाई देखो टी टू माइनस टी वन टी टू की जगह पुट कर सकते हो बच्चों एस टू बाई टू और माइनस टी वन की जगह पर एस वन ठीक है और एस टू की जगह कितना पुट कर सकते हो ट्वेंटी टू so, कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू माइनस थ्री ट्वेंटी टू माइनस थ्री डिवाइड बाई इलेवन माइनस थ्री सो दैट इज नाइनटीन डिवाइड बाई एट ऐसा ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल है देखो थर्ड ऑप्शन वो आपका क्या है सही आंसर क्लियर है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको दो सीक्वेंसेज दी गई है और उन दोनों सीक्वेंसेज से आपको क्या करना है आपको बताना है a बाई बी का वैल्यू क्या होगा ध्यान से देखिए एक है हमारे पास में ऑड सीरीज एक है इवन सीरीज ठीक है तो जो इवन सॉरी एक ऑड है और एक में सारे नंबर्स है वन टू थ्री फोर सब एक में तो और इसमें आपके पास में क्या क्या है वन थ्री फाइव ऑड वाले नंबर से तो अपन एक एक करके इसको देखो स्प्लिट करते हैं पहले ए विल बी इक्वल टू इसमें ऑड और इवन को अलग कर लेते हैं ना वन वन बाई थ्री क्यूब थ्री की पावर फोर क्यूब भी नहीं वन प्लस फाइव की पावर फोर ये तो होंगे बच्चों इसमें ऑड नंबर प्लस वन अपॉन टू की पावर फोर प्लस वन की पावर फोर प्लस वन की पावर फोर ये है बच्चों इसके अंदर इवन नंबर्स ऐसा ही है बिल्कुल है ऐसा ए बराबर देखो इसको तो लिख सकते हैं तो है कि कितना है ना टू इसमें भी टू इसमें भी टू तो की पावर फोर बाहर कॉमन आ जाएगा सो देर विल बी वन बाई सिक्सटीन और अंदर बचेगा टू वन इंटू टू लिख के टू बाहर आ गया तो वन बचेगा वन की पावर फोर इसको टू इंटू टू टू बाहर आ गया टू की पावर फोर ये है बच्चों वन टू बाहर आ जाएगा थ्री की पावर फोर टू इनफाइनाइट तक अच्छा ये तो देखो अपने वन की पावर फोर टू की पावर फोर थ्री की पावर फोर ये तो ए है इसका मतलब ये हो गया आपके पास ए बराबर बी प्लस ए अपॉन सिक्सटीन इसको इधर ले आइए सो फिफ्टीन बाई सिक्सटीन इन ए बराबर बी आपसे क्या पूछा है बच्चों आपसे पूछा गया है कि ए बाई बी लोवेस्ट फॉर्म में कितना होगा सो ए बाई बी विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिक्सटीन बाई फिफ्टी लोवेस्ट फॉर्म मीन इसके अंदर देखो आंसर क्योंकि रेशियो में पूछा है तो कुछ भी हो सकता है टू से मल्टीप्लाई कर लो थर्टी टू बाई थर्टी भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है पर लोवेस्ट फॉर्मेट मतलब इसका अंदर कोई भी फैक्टर इसके बाद कटना नहीं चाहिए

सबसे पहले तो सीक्वेंस को सोल्व कर लेते हैं एन की मान वन पुट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों थीटा थीटा प्लस पुट करेंगे तो स्क्वायर ऐसे करके कहां तक जाना है इनफाइनाइट तक बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा बिल्कुल होगा अब देखो ये क्या है बच्चों ये है कि इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ वन डिवाइड बाई टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस वन डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने कितना आएगा देखो टेन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा सो दैट इज टेन थीटा अच्छा टेन स्क्वायर नहीं होगा बच्चों टेन थीटा ही आएगा इसको इससे डिवाइड करे टेन थीटा आएगा तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा तो ऊपर तो आएगा वन और नीचे आएगा टेन थीटा माइनस वन एल लेने से ये आ जाएगा और आपको बोला गया कि किसके बराबर है ये साइन थीटा प्लस के बराबर है इसको सॉल्व कर लेते हैं टेन थीटा वन हो नहीं सकता बिल्कुल आपको पाई, पाई फोर से पाई, पाई टू दे रखा है इसलिए वन होगा भी नहीं कभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने प्लस थीटा साइन को एस ले लिया कॉस को सी टेन थीटा दैट इज साइन थीटा बाई थीटा माइनस वन बराबर वन अगेन थीटा नाइनटी डिग्री भी नहीं है क्यों पर भी ओपन इंटरवल है इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सो so, से आएगा आपके पास साइन थी थीटा बराबर ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर को लिख दिया बच्चों वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो यहां से आपका जो रिलेशन आएगा सबको उधर लेके गए टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा माइनस वन बराबर जीरो ठीक है इसके फैक्टर्स किए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे टू सी माइनस वन सी माइनस वन टू सी स्क्वायर प्लस टू सी माइनस सी प्लस माइनस वन बराबर जीरो सो थीटा की दो वैल्यूज आ गई वन बाई टू और माइनस वन सी की वैल्यू थीटा ना अब देखो माइनस वन तो हो नहीं सकता क्योंकि थीटा पाइव बाई फोर पाई से पाइप पाई दिया है दैट होगा थीटा और ऐसा कब होगा बच्चों जब थीटा कितना होगा आपके पास में 60 डिग्री, इस इंटरवल के अंदर जब थीटा सिक्सटी डिग्री होगा तब होगा आपके पास में कॉस्ट थीटा वन बाई टू तो आपसे पूछा गया है कि देन टेन थीटा का मान क्या होगा तो यहां पर सिक्सटी डिग्री पुट कर दीजिए बच्चों टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी का मान तो पता होगा आप सबको दैट इज रूट थ्री क्लियर तो यही है बच्चों हमारा सही आंसर दैट इज फर्स्ट ऑप्शन ठीक है चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखो फोर एन प्लस रूट ओवर फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई दिस देन एन बराबर वन से ट्वेल्व ए एन इक्वल तो ये किसके बराबर होगा ये बताना है अपने को चलिए बात करते हैं आ, सबसे पहले इस जब भी हमें दिखाई देता है तो हम रेसलाइजेशन के बारे में सोचते हैं यहां पर भी वही सोचेंगे इसको रेशनलाइज किया हमने रूट टू एन प्लस वन माइनस रूट टू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड तो इसे डिवाइड करो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा टू एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस ए माइनस बी हो जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा साथ में देखो बच्चों ये जो टर्म है है ना क्योंकि हमें 2N plus और 2N minus 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको भी कुछ उसी फॉर्मेट में लिखते हैं देखो ऊपर वाले को भी सबसे पहले तो बाहर सिर्फ फोर एन लिख रखा है हमें इन दोनों का फॉर्मेट बनाना है तो हमने उसको लिख दिया टू एन प्लस वन और प्लस टू एन माइनस वन कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसी के साथ ये रूट के अंदर है फोर एन स्क्वायर माइनस वन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर्स कर देते हैं इसके तो ये कितना आ जाएगा टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन और नीचे ये आ जाएगा तो इसके साथ में देखो ये कट जाएगा हमारे पास में ठीक है अब क्या करें अब इसके बाद में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अब क्या करें चलो रेसलाइज तो कर लिया ये तो ऐसा क्वेश्चन देखते हमें समझ में आ जाता है करना है। लेकिन इसके आगे क्या करें तो आगे कुछ नहीं बच्चों आगे दो फैक्टर्स होते तो क्या करना होता है कुछ नहीं दिखाई दे तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए पहली टर्म पहली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा ए एन विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन की पावर थ्री बाई टू फिर पहली टर्म दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा बच्चों रूट टू एन प्लस वन इन टू एन माइनस वन फिर बच्चों के साथ में मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखो कितना आएगा सो दैट इज प्लस रूट टू एन प्लस वन वहां पर भी है और यहां पर भी है तो ये तो आ जाएगा बाहर रूट के और यहां पर आएगा सिर्फ टू एन माइनस वन रूट के अंदर ठीक है इसी के साथ में फिर ये तो पहली ट्रम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ में अब करते हैं अपनी दूसरी ट्रम को दूसरी ट्रम क्या है देखिए हमारे पास में दूसरी ट्रम है माइनस रूट टू एन माइनस वन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखो माइनस टू एन प्लस वन इन रूट टू एन माइनस वन हो गया फिर देखो बच्चों यही ट्रम आपके पास में दूसरी वाली ट्रम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर आएगा माइनस टू एन माइनस वन ठीक है इंटू वहां पर भी टू एन माइनस वन है तो इसकी पावर भी कितनी होगी बच्चों हो गई ठीक है ना ये 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 भी भी अब ये वाली वाली टर्म लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वहां पर आएगा देखो बच्चों कितना टू एन माइनस वन दो बार आ जाएगा रूट में तो ये रूट के बाहर आ गया और रूट में रह गया आपके पास टू एन प्लस वन अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही बड़ा हो रहा है क्या करें आगे तो आगे देखो बच्चों बहुत आसान है ये गया किसके साथ ये गया देखो इसके साथ टू एन प्लस वन इंटू रूट टू एन माइनस वन देखो रूट टू एन प्लस वन का और यहाँ पर रूट टू एन अच्छा इसके साथ में गया ना रूट टू एन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन के साथ अच्छा ये किसके साथ जाएगा ये इसके साथ टू एन प्लस वन और रूट टू एन माइनस वन कंप्लीट ये चार टर्म चली गई छह में से पीछे क्या बची पीछे बचेगी अपने पास में देखो टू एन प्लस वन की पावर थ्री बाई टू माइनस एक टर्म और बचेगी दैट इज टू एन माइनस वन की पावर थ्री बाई टू एक्चुअली आपका जो ए एन है ना वो ये है बच्चों ठीक है अगर आपने ये कर लिया इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है इसको आप बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हो देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो, कहां से कहां तक वन से लेके ट्वेल्व तक

ट्वेंटी फाइव की पावर थ्री बाई टू माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री की पावर थ्री बाई टू ये आ जाएगा हमारे पास अब क्या करेंगे अब देखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे तो इसके साथ ये चला जाएगा बच्चों इसके साथ में ये चला जाएगा तो यहां से सिर्फ दूसरी टर्म बची है ना तो आखिर से भी बाकी सब कट जाएगा सिर्फ दूसरी वाली टर्म बचेगी आखिर से और वो है बच्चों आपके पास 25 की पावर 3 बाई टू माइनस वन की पावर 3 बाई टू तो वन ही होगा बाई टू 25 का रूट होता है बच्चों 5 5 का क्यूब करोगे तो आएगा 125 1, बटे दो दैट इज 124 2 और 124 2 होता है बच्चों 62 और यही है आपका आंसर ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों सेकंड ऑप्शन जो कि आपका सही आंसर होगा ठीक है चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो इसके अंदर इसमें आपको दिया है ए वन ए टू ए थ्री एक G.P. है बहुत ही अच्छी बात है ए नाइन माइनस ए सेवन वन नाइनटी टू है तो सिग्मा ए आई बराबर एक हजार सिक्सटीन है लेकिन ये कहां से स्टार्ट देखो सिग्मा ध्यान देना फोर से लेके एन तक है ना फोर से लेके एन तक ये है तो एन का मान क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है चलिए देखते हैं ए नाइन ए नाइन जी पी है तो ए नाइन का मतलब होगा बच्चों की पावर एट माइनस ए सेवन ए आर की पावर सिक्स बराबर ठीक है ऐसा है इसके साथ में एक चीज और दे रखी है अपने को ए सिक्स बराबर ए फोर टाइम ए की पावर फोर ए सिक्स का मतलब होगा बच्चों ए आर की पावर फाइव फोर ए आर क्यूब ये कट जाएगा आर स्क्वायर बराबर फोर आर बराबर दो और माइनस दो आपको बोला गया है कि वर्धमान श्रेणी है इंक्रीजिंग जीपी है इसलिए आर की वैल्यू टू लेंगे अपन ठीक है आर की वैल्यू टू यहाँ पुट करेंगे तो ए कॉमन ले लीजिए आर की पावर सिक्स भी कॉमन ले लीजिए तो आर की पावर सिक्स हो जाएगा टू की पावर सिक्स और यहाँ आर स्क्वायर दैट इज फोर माइनस वन विल इक्वल टू वन नाइनटी टू तो a बराबर 192, 64 इन्टू 3 भी होता है बच्चों 192 ये कट जाएगा पूरा आंसर आ जाएगा one a one और r two इसका मतलब बच्चों क्या होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली टर्म है one और उसका कॉमन रेशियो जो है वो है two ठीक है तो अब अपने को क्या करना है अपने को एक जीपी लिखनी है कहां तक n तक है ना ऐसे a one plus अप टू एन और इसका जो सम है ठीक है इसका जो सम का जो फॉर्मूला है वो अपन लगा सकते हैं क्या होता है ए ए कितना है वन इन टू आर आर कितना है? की पावर एन माइनस वन और डिवाइड बाई टू माइनस वन ये होता है अपने पास एन निकालना है अपने को तो उसके लिए अपने को ये सारी चीज इसका सम निकालना पड़ेगा तो ये सम निकाल लेते हैं अपन यहां पर ए वन कितना है वन कॉमन रेशियो टू है तो ए टू कितना होगा टू ए थ्री क्या इतना होगा इसको फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर अब ए फोर कितना होगा तो बच्चे कहेंगे एट लेकिन अब आपको इन सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों क्यों क्योंकि ए फोर से लेकर के ए एन तक का सम तो आपको दिया हुआ है ना आगे कितना एक हजार सोलह बराबर है टू की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई वन कितना हो जाएगा इसको एड कर दीजिए वन को इधर ले आइए सो so, टू की पावर एन बराबर वन जीरो टू फोर तो यहां से आप कह सकते हो कि ये होता है टू की पावर टेन तो एन का जो मान आएगा एन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास में टेन और ऐसा दे रखा है हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सो टेन के अंदर पहला ऑप्शन आपका सही होगा क्लियर है चलिए so, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या करना है फॉर ए बी विल बी पॉजिटिव लेट फाइव ए माइनस बी टू ए प्लस बी ए प्लस टू बी बी इन एपी एंड दिस बी आर इन जी पी देख ऑफ वन बाई ए प्लस होगा यह हमें बताना है करते सबसे पहले तो ये तीन नंबर एपी में दिए गए हैं तो इन तीन नंबर के अंदर मैं एपी की अगर कंडीशन लगाता हूं तो देखिए मेरे को क्या मिलता है तो यहां से मिडल टर्म का डबल दैट विल बी फोर ए प्लस टू बी फाइव ए माइनस बी प्लस ए प्लस टू बी कितना जाएगा जाएगा देखो से ये उधर चला गया गया कट तो बराबर आ हमारे पास 2A. एक रिलेशन तो ये रहा दूसरा देखो ये नंबर जीपी में है तो क्या कंडीशन मिलेगी ए बी प्लस वन का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी प्लस वन का स्क्वायर इन ए माइनस वन का स्क्वायर दोनों साइड रूट कर देते हैं और रूट कर देंगे कितना आ जाएगा देखो प्लस वन विल बी इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो दैट विल बी रूट स्क्वायर तो हट जाएगा जैसे ही रूट करेंगे इधर का स्क्वायर भी हट गया तो इधर कितना आएगा इधर आएगा ए वी माइनस बी प्लस ए और माइनस वन तो इस ए बी से ए बी कट जाएगा अच्छा बी की जगह पर कितना पुट कर सकते हो आप टू ए इधर वन है वन बी इधर आ जाएगा सो ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू आ, बी किस गया? टू एस टू ए प्लस ए सो ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों बराबर टू सो ए बराबर आ गया माइनस टू ठीक है तो ए जैसे माइनस टू आया तो हमने आगे प्रोसीड कर देंगे अगर तो फिर हमारी गड़बड़ हो जाएगी क्यों क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी पॉजिटिव है तो फिर गड़बड़ कहां हुई ठीक है ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास में ए नेगेटिव आ गया जबकि ए और बी हमें क्वेश्चन में दिया गया कि पॉजिटिव नंबर है तो गड़बड़ हो गई बच्चों यहां पर जैसे आपने रूट लिया ना तो जब आप इसका रूट लोगे तो दोनों चीजें हो सकती है ना बच्चों ऐसा जरूर थोड़ी प्लस साइन के साथ में खुलेगा ये प्लस माइनस दोनों के साथ खुल सकता है जब प्लस साइन लोगे तो ये आंसर आएगा लेकिन जब आप यहाँ पर माइनस साइन लोगे तो यहां से आएगा माइनस ए बी माइनस वन विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस वन ठीक है इस बार माइनस वन से माइनस वन कटेगा ए भी उधर जाएगा तो आएगा टू ए बी माइनस बी प्लस ए बराबर जीरो अब बच्चों आप क्या कीजिए बी की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए टू ए माइनस वन और बी कितना था हमारे पास में बी विल बी इक्वल टू टू ए प्लस ए इक्वल टू जीरो तो यहां से देखो ए कॉमन आ जाएगा और ए कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में कितना बचेगा फोर ए माइनस टू प्लस वन फोर ए माइनस टू प्लस वन तो यहां से एक ही दो वैल्यूज आ रही है फिर से जीरो और वन बाई फोर बट क्योंकि बच्चों में पता है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ए जीरो हो नहीं सकता तो ये वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी डिस्कार्ड और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन बाई फोर ए को जब वन बाई फोर लेकर के यहां पुट करेंगे तो यहां से बी की वैल्यू मिलेगी बच्चों में कितनी वन टू इंटू वन बाई फोर सो दैट इज वन बाई टू तो बी विल बी वन बाई टू एंड ए विल बी वन बाई फोर हमें इसका मान पूछा है पुट कर दीजिए इसका करके सो दैट इज और ऐसा हमें दिया गया है कौन सा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा सही है तो ध्यान रखिए बच्चों जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो इस टाइप की कुछ भी चीजें अगर क्वेश्चन में करते हो ठीक है तो वहां पर हमेशा साइन का ध्यान जरूर रखिए प्लस माइनस दोनों साइन लीजिए दोनों केस लीजिए और उसके बाद में जो सही आंसर आ रहा है वही होगा आपका सही आंसर क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है देखिए इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे सबसे पहले x बराबर वन 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 ऐसा ट्वेंटी डिजिट्स लिखे गए हैं y बराबर थ्री 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 ऐसे टेन डिजिट्स और z बराबर टू 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 ऐसे अगेन टेन डिजिट्स तो हमें x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स कितना होगा उसके लिए इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दिया नाइन से डिवाइड और ये बन गया बच्चों नाइन 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 इस टाइप से आ जाएगा अब इस नाइन 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 को क्या लिख सकते हो क्योंकि ट्वेंटी डिजिट है तो इसको लिख सकते हो टेन टू दी पावर ट्वेंटी माइनस वन ठीक है जब भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसको नाइन 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 में बनाना है क्योंकि जैसे डबल नाइन है तो कितना होगा टेन का स्क्वायर माइनस वन ट्रिपल नाइन है टेन का क्यूब माइनस वन ऐसे बीस डिजिट है तो टेन की पावर ट्वेंटी माइनस वन ऐसे ही दूसरे में करना है वाई इसमें लेकिन आप कहेंगे सर इसमें थ्री दे रखा है इसमें क्या करें कोई बात नहीं इसको थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो थ्री से करेंगे तो नीचे तो वन बाई थ्री ऊपर वही नाइन 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 चलेगा कितना आ जाएगा इसमें क्योंकि टेन डिजिट है तो टेन की पावर टेन माइनस वन लेकिन इसमें देखो बच्चों डिवाइड में थ्री है क्योंकि इसको थ्री से मल्टीप्लाई करने से ही नाइन बन गया था अब आप कहेंगे सर इसको तो थ्री से कर लिया लेकिन इसको किससे करें यहां तो गड़बड़ होगी या तो टू है तो कोई बात नहीं टू को बच्चों कॉमन ले लीजिए पहले ठीक है और फिर नाइन से मल्टीप्लाई और नाइन से डिवाइड कर दीजिए बन जाएगा आपका काम सो टू बाई नाइन तो बाहर और ये फिर से टेन की पावर टेन माइनस वन ये आ गया आपके पास एक्स वाई और जेड ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों आपका आंसर आ जाएगा देखो एक्स कितना है एक्स है बच्चों टेन टू दावर ट्वेंटी इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है एक बार लिख लीजिए इसको आ, इस तरीके से माइनस वाई स्क्वायर वाई क्या है बच्चो रहा इसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाई थ्री का स्क्वायर होगा बच्चों वन बाई नाइन इसका स्क्वायर कर देते हैं देखो 10 की पावर a b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा सो so, 10 टू दी पावर 20 1 2 10 टू दी पावर 10 ऐसा आएगा डिवाइड बाय नीचे कितना है बच्चों जेड जेड है अपने पास में कितना 2 9 इसमें है बच्चों हमारे पास 10 टू दी पावर 10 1 ऐसा है देखो ये नाइन ये नाइन ये नाइन कॉमन आके कट जाएगा टेन टू पावर ट्वेंटी इधर प्लस का इधर माइनस का ये कट जाएगा तो क्या बचा देखो माइनस वन ये भी प्लस माइनस वन हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस टू टाइम टेन टू पावर टेन डिवाइड बाई टू टाइम टेन टू पावर टेन माइनस वन ठीक है इसको सिंप्लीफाई कीजिए ऊपर देखिए माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा तो यहां से टू कॉमन माइनस वन प्लस टेन टू दावर टेन डिवाइड बाई टू इंटू टेन टू दी पावर टेन माइनस वन जाएगा, जाएगा, जाएगा बच्चों ट्वेल्व so के अंदर जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा पहला ऑप्शन ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बारे में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमें दिया गया है कि ए बी सी आर नॉन जीरो जितने भी चीजें दी गई है ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दिया गया है डिफरेंट होने चाहिए ए बी सी शून्य भिन्न संख्याएं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो ए ए माइनस सी और ए माइनस बी किसमें होंगे ये बतानेगेन आपको ए पी जी पी या एच पी में से किसमें होंगे तो सबसे पहले तो देखो ए बी सी अगर एचपी में है तो यहां कंडीशन लगाई हमने तो यहां आएगा बी विल बी इक्वल टू टू ए सी डिवाइड बाई ए प्लस सी ठीक है इधर आ जाए इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए बी प्लस कितना आएगा बी सी विल बी इक्वल टू टू ए सी अब देखो बच्चों हमें कुछ इस टाइप से लेके आना है ना ए माइनस सी ए माइनस बी और ए तो एक तो थोड़ा मार्केट में ए ज्यादा है ठीक है तो को को अपने को दोनों साइड में रखते हुए क्वेश्चन को आगे देखना है तो सबसे पहले तो हमने क्या किया बीसी ठीक है ना माइनस टू ए सी को इधर क्योंकि देखिए अगर अपन सी को कॉमन ले तो बी माइनस ए माइनस बी टाइप की हमारे पास में एक क्रम भी बन रही है ऐसी बन जाएगी कुछ तो बीसी माइनस टू ए सी ए बी है इधर ठीक है तो अपने एक काम कर देते हैं माइनस ए बी मीनस माइनस टू ए बी कर देते हैं तो इधर भी हो जाएगा माइनस टू ए बी अभी है हमने -2AB ही क्यों किया? है? तो उसके लिए देखो क्योंकि यहां पर हमारे पास में क्या ए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ठीक है तो क्योंकि इस वाली टर्म को तो हम इधर ले ही आए थे ठीक है तो इधर हमें ए चाहिए था ठीक है अब ए तो चाहिए लेकिन वहां पर कितना ए चाहिए अपने को वहां पर हमारे पास में ए

ठीक है, ये भी चलेगा हमारे पास विल बी इक्वल टू इधर कितना है हमारे पास इधर है हमारे पास में टू ए कॉमन ले ले अगर तो कितना आएगा ए माइनस बी तो ए और ए माइनस बी देखो दो फैक्टर बन गए ना ए और ए माइनस बी साथ में ए माइनस सी का फैक्टर है तो ए माइनस सी को इधर कॉमन ले लो और बाकियों को ले लो नीचे तो ये बन जाएगा टू टाइम ए ए माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस सी को कॉमन लिया तो टू ए और माइनस ए माइनस सी लिया क्योंकि माइनस so बी अब आप कहेंगे कि सर ये तो टू ए माइनस बी आ रहा है ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा तो ऊपर भी देखो यही है अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना है टू ए माइनस बी ए माइनस सी तो एक्चुअली ये किस चीज की कंडीशन है वो चाहिए देखो ऐसी ही कंडीशन है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक नंबर को अगर मैं किसी को भी पहले लिखूं a फिर a माइनस सी और फिर ए माइनस बी ये किस में आ जाएंगे अपने एच पी में आ जाएंगे अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये जोड़ना होगा ये घटाना होगा ठीक है तो देखो अगर ये चीजें आपको वैसे तो आप जैसे जैसे मैन्य करते हो क्वेश्चनों के अंदर बार बार ट्राई करोगे ठीक है तो आपको ऐसे आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ करने कुछ जोड़ने घटाने से क्वेश्चन में आगे प्रोसीड होंगे बट फिर भी अगर नहीं पता चले तो अपना एक शॉर्टकट होता है आप उसका यूज कर सकते हैं इसके अंदर उसका यूज जैसे ही करेंगे आपका तो बी को, को मान लो चार जीरो नहीं होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए आ, जीरो नहीं होने चाहिए सेम नहीं होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए अच्छा और क्या होना चाहिए और आपके पास में आ, एचपी में होने चाहिए तो नंबर ऐसे भी होने चाहिए तो फिर आपका आ जाएगा आगे वाला भी अगर ये तीन नंबर है, तो है, है और ये एचपी में भी आप चेक कर सकते हो इसमें एचपी की कंडीशन लगेगी तो अब आप बता दीजिए कि ए ए माइनस सी और ए माइनस बी किस में होंगे आइए देखते हैं ए कितना है बच्चों तीन ए माइनस सी ए माइनस सी कितना हो जाएगा बच्चों ए माइनस सी ए में से सी को घटा दो सो माइनस तीन और ए माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस दो तो देखो एपी और जीपी तो देख ही नहीं रही कहीं पर एचपी चेक कर लेते हैं एक बार तो क्या करो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो माइनस दो बटे तीन माइनस दो कितना आ रहा है देखो आ, पहला नंबर है आपके पास टू इंटू ए कितना है थ्री और लास्ट वाला नंबर कितना है लास्ट वाला नंबर है हमारे पास में ए माइनस बी ए माइनस बी ये वन है ना? ये कितना है वन ठीक है सो so, थ्री माइनस यहाँ पर वन ठीक है ना ए माइनस बी थ्री माइनस फोर कितना है माइनस वन तो ये माइनस वन है तो थ्री माइनस वन टू टू से टू कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस थ्री क्या ये मिडल वाले के बराबर है बिल्कुल तो ये एचपी की कंडीशन एपी जीपी तो देख ही नहीं रही थी ठीक है तो सीधा हमने एचपी चेक किया और बिल्कुल एचपी में मिल गया तो ये सही आंसर है आपका एजीपी होगा नहीं तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं ठीक है बाकी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले वाला जो तरीका है उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है ना लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी उस टाइप के क्वेश्चनों की काफी ज्यादा चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या करना है हमें इसके अंदर

इसके रूट है तो p प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर आ जाएगा दो और p इन क्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों ए साथ में आपको यह भी दे रखा है कि r और s इस इक्वेशन के रूट है तो r प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा बच्चों फिर से 18 और r इंटू एस कितना हो जाएगा b ठीक है अच्छा पी क्यू आर एस डिफरेंट है एस सबसे बड़ा है पी सबसे छोटा है और ये एपी में है तो इस नंबर्स को अपन क्या मान सकते हैं बच्चों पी बराबर ए माइनस थ्री डी क्यू बराबर ए माइनस डी ठीक है ना सबसे छोटा नंबर से लेके सबसे बड़ा नंबर चार नंबर अगर लेने हो एपी में तो ऐसे मान लेते हैं जब अपने को सम दिया हुआ है तो बिल्कुल हमें सम दिया हुआ है इन चारों का पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितना है एटीन प्लस टू ट्वेंटी बराबर इन सबको जोड़ोगे तो डी तो कट जाएगा फोर ए तो यहां से ए मिल जाएगा अपने को कितना ए equal टू फाइव अब आप कहेंगे सर ए तो मिल गया लेकिन डी कैसे निकालेगा तो डी भी निकलेगा क्योंकि हमें पी प्लस क्यू भी तो पता है बच्चों पी प्लस क्यू या आर प्लस एस भी तो पता है चलो पी प्लस क्यू इससे कर लेते पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू टू तो पी कितना है ए ए प्लस ए ए कितना है फाइव 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 टेन माइनस फोर डी

p q r पे 2 ऐड कर दो 3 फिर इसमें 2 ऐड कर दो सो so s विल बी इक्वल टू 5 ऐसा आ जाएगा बिल्कुल अब देखो आ, यहां से हमारे पास में आया था 4d विल बी इक्वल टू 8 सो d विल बी इक्वल टू 2 अब अपन एक काम कर लेते हैं अपने को क्या निकालना है a और b निकालना है तो PQ, है p q ठीक है ना p q कितना होगा हमारे पास में अच्छा यहां पर देखो एक सेकेंड हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इसका जो डिफरेंस था ना कॉमन डिफरेंस था तो इसमें दो नहीं चार एड करना है तो चार एड करोगे करोग करोग कर देते कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में जल्दीबाजी के अंदर पी प्लस क्यू प्लस क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस टू डी है डी की वैल्यू टू है तो यहां पर आपको कितना ऐड करना है बच्चों फोर ऐड करना है ठीक है जैसे ही फोर ऐड करेंगे ये नंबर मिल गए आप देखो a बराबर कितना है यहां पर देखे अगर a बराबर है हमारे पास में p इंटू क्यू दैट इज माइनस थ्री और b बराबर है r इंटू एस इलेवन इंटू सेवन सेवनटी सेवन इन दोनों को जोड़ना है अपने को तो एडिशन कर दीजिए सेवनटी सेवन माइनस थ्री विल बी सेवनटी फोर है ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है बच्चों सेकेंड ऑप्शन जो कि हमारा सही आंसर होगा क्लियर है सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के बारे में क्या है देखो 15, 15 में आपको एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज से पहले थीटा निकालना है फिर इसकी वैल्यू निकालनी है जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका देखो क्या है थ्री कोस प्लस फाइव कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेवन कोस क्यूब थीटा अप टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू मॉड थीटा लेस देन वन देन फाइंड वैल्यू ऑफ वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का होल स्क्वायर देखो कितना होगा तो एस बराबर कितना है हमारे पास थ्री कॉस् थीटा कॉस् थीटा को मैं सी मान रहा हूं ना कॉस्ट तो थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू सी प्लस फाइव कॉस थीटा प्लस सेवन कॉस क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू इसको सी से मल्टीप्लाई किया सो सी अच्छा हाँ कॉमन जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो कितना कॉस् थीटा तो सी से मल्टीप्लाई किया सी एस बराबर थ्री सी स्क्वायर प्लस फाइव सी क्यूब एक टर्म आगे लिख दिया अप तो में लास्ट टर्म लिखने की जरूरत होती नहीं है इसमें से इसको सेपरेट किया सो वन माइनस कॉस थीटा विल इक्वल टू थ्री कॉस थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस क्यूब थीटा अप टू इंफिनिटी ठीक है

ठीक है ना तो S की जो वैल्यू आएगी उसमें क्या आएगा 3 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू S और S कितना दिया है बच्चों अपने को माइनस वन बाई टू ठीक है अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन इतना ही था आगे का क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लियर है So, चलिए बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए सिक्सा माइनस टू कॉस स्क्टावल माइनस को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं आ, तो प्लस वन सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा प्लस वन को इधर ले आए माइनस वन विल बी इक्वल टू स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वन ये आ गया हमारे पास अब लेकिन हमें निकालना है क्या है बच्चों हमें निकालना है वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है ना इसकी क्या करनी है वैल्यू निकालनी है ठीक है तो चलिए अपन पहले उसी को थोड़ा सिंपलीफाई कर लें क्योंकि यहां पर टू दे है, वहां दे रखा रखा है है हो सकता है वो कट जाए। तो जाएगा इसका होल स्क्वायर कितना आएगा टू माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको ओपन किया हमने तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा प्लस फोर। और देखो बच्चों हमें डायरेक्ट वन। तो वन so, है, वही है बच्चों सही आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के अंदर क्लियर है सभी को तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की ओर क्या है देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें हमें करना है क्या द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट निकालना है मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ ही है सीधा निकाल लीजिए क्या है देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है थ्री की पावर वन बाई फोर इन टू इसको लिखा थ्री की पावर टू सो टू बाई सिक्सटीन थ्री की पावर थ्री बाई फोर्टी एट थ्री की पावर फोर डिवाइड बाई वन टू एंड सोन ऐसे चल रहा है, ये। देखते, कब तक है? Infinite तक कुछ नहीं दिया गया है तो कहां तक है पावर, पावर एड हो जाएगी टू बाई सीफाई करके लिख सकते वन बाई एट थ्री से डिवाइड करो वन एटीन सो थ्री से कितना सिक्सटीन बिल्कुल वन फोर से डिवाइड किया फोर से थ्री टू थर्टी टू अपू इनिटी ठीक है तो ये क्या है बच्चों ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम तो हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड सिंप्लीफाई कीजिए वन बाई टू वन बाई फोर सो थ्री की पावर बचेगी वन बाई टू दैट इज रूट थ्री बच्चों ऐसा है ऑप्शन बिल्कुल है बच्चों सेकेंड ऑप्शन ठीक है ना जो सेकेंड ऑप्शन है आपका सिक्सटीन का वही है बच्चों आपका सही आंसर क्लियर है सो दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चले आगे चलिए फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ओर क्या है देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ एनेथ टर्म ऑफ दी सीरीज इज दिस देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज अगर इसकी एनेथ टर्म ये है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा आइए देखते हैं देखो पहली टर्म कितनी है नाइन प्लस वन दैट इज टेन बाई थ्री ठीक है ना इसको आप फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो टू टू को क्या लिख सकते हो बच्चों टू को अगर आपको ऊपर क्या लेना ऊपर अगर जैसे टेन है टेन लाना हो क्योंकि नीचे तो थ्री है तो थ्री तो लाने का कुछ आ, वैसे मीनिंग है नहीं बाकी एक बार छोड़ दीजिए इसको एक बार आगे वाली टर्म को देखिए हो सकता है वहां से ज्यादा क्लियर हो जाए क्या करना है आपको सेवन प्लस थ्री दैट इज टेन बाई सेवन फिर आगे देखा आपने नाइन प्लस वन दैट इज टेन बाई नाइन अब यहां से में आगे देखो बच्चों ऊपर बनाना है तो टेन बनाने के लिए फाइव से मल्टीप्लाई किया so बच्चों तो ऊपर तो देखो टेन है और नीचे एक एपी है आपके पास में तो उस एपी की एन टर्म लिख दीजिए दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2n प्लस 1 अब देखो आपको दिया है कि इसकी जो एनथ्रम है वो an प्लस 10 डिवाइड बाय bn प्लस c के फॉर्मेट में है इस फॉर्मेट में है तो देखो कंपेयर करो ऊपर n का कॉपी सेंट 0 तो a का मान है बच्चों 0 ऊपर कांस्टेंट ट्रम 10 10 के बराबर हो भी गई ठीक है ना डायरेक्ट बराबर है कोई दिक्कत नहीं है यहां कंपेयर करते हैं देखो आ, एन का उधर इधर बी, सो बी का मान दो और सी की जगह पर कितना आ रहा है बच्चों एक तो सी का मान एक सो बी का मान दो और सी का मान एक सो आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी और ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है सेवनटीन के अंदर सो वो है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर थ्री सो सेवनटीन का जो सही आंसर होगा बच्चों वो है हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर सभी को चलिए इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है इसके अंदर आइए देखते हैं इसमें आपको दे रखा है एस विल बी इक्वल टू एक देखो मल्टीप्लीकेशन बड़ा सा वन टू थ्री अपन फिर टू से लेके एट तक का मल्टीप्लीकेशन फिर थ्री फोर से लेके नाइन तक का फिर 10, 11 से लेके 16 तक का और ये सारा मल्टीप्लीकेशन एस के बराबर है और फिर हमें एस डिवाइड बाई इलेवन थर्टीन फिफ्टीन और सेवनटीन इनके प्रोडक्ट का रेशियो फाइंड आउट करना है ठीक है तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करने मत लग जाना नहीं तो नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो कैसे करें फिर तो एक काम करते हैं बच्चों इसका जनरल टर्म लिखते हैं दैट इज आर आर प्लस वन आर प्लस टू टू आर प्लस सिक्स यही है आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो पहला पद टू पुट करेंगे तो दूसरा थ्री पुट करेंगे तो तीसरा अब देखो बच्चों इस तरीके से जब तो मेथड इसमें काम कीजिए यहां पर इसकी अगली टर्म जोड़ दी मल्टीप्लाई कर दीजिए आर प्लस सेवन और इसमें से इसकी पहले वाली टर्म घटा दीजिए दैट इज आर माइनस वन तो एक्चुअली आपने किया क्या देखो आर आर तो कट जाएगा 7 प्लस 1, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एट से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो एट एस ठीक है ना उधर एट, एट यहाँ पर तो उधर भी एट से मल्टीप्लाई कर दिया इससे फायदा इससे फायदा फिर होगा देखो आगे चलते हैं इसमें इसको मल्टीप्लाई किया आर प्लस सेवन आगे की तरफ है तो उधर ही रहने दो उसको आर प्लस वन आर प्लस टू अपू आर प्लस सेवन तक का मल्टीप्लीकेशन फिर माइनस इसको सबसे पहले लिखो है ना आर माइनस वन उसके पहले आएगी फिर आर आर प्लस वन टू आर प्लस सिक्स ऐसा आ गया हमारे पास किसका मान एट एस का मान फिर आगे बढ़ते हैं देखो अब क्या करें अब देखो बच्चों ये डिफरेंस में आ गया इसीलिए किया था हमने यहां पर ऐसा ताकि डिफरेंस में आ जाए डिफरेंस से फायदा डिफरेंस से फायदा ये होगा की कटेगी टर्म्स कैसे कटेगी इसमें आपको वैल्यू कहां से पुट करनी है देखो पहला पद कितना है वन और आखिरी पद में पहली टर्म कितनी है टेन मतलब इसमें जो सिग्मा आपके पास लगा हुआ था वो था आर इक्वल टू वन से लेके टेन तक ठीक है तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों वन से टेन तक वन पुट करते हैं देखो वन इंटू टू इंटू थ्री अब टू कहां तक कहा तक आएगा बच्चों इसमें पुट किया अपन ने कितना वन सो वन प्लस सेवन एट ये फैक्टर बनेगा माइनस इसमें वन पुट करो हो गया बच्चों ठीक है ना वन पुट करते ही पूरा ट्रम जीरो फिर पुट करते हैं टू टू पुट करो देखो कितना आएगा टू यहां से स्टार्ट होगा टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री इंटू फोर और लास्ट में टू पुट करोगे तो नाइन माइनस इसमें टू पुट करो देखो into two, into three, तो देखो अप तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कट गया ये प्लस का वो माइनस का ऐसे ही बच्चों ये भी कटेगा किससे इसके आगे जो दो फैक्टर्स आएंगे इस माइनस वाले फैक्टर से ये पूरा कट जाएगा तो इधर से कौन सा ट्रम बचा दूसरा ट्रम तो आखिर में जब आप कितना पुट करोगे दस तो उसमें भी दूसरा वाला ट्रम तो ये आखिर से इधर चलोगे तो इसमें पुट करोगे तो पहला ट्रम इसमें पुट करोगे तो दूसरा ट्रम तो एट एस बराबर हो गया बच्चों किसके इसमें दस पुट करोगे उसके बराबर दस इंटू ग्यारह इंटू बारह अपू सेवन टीन आ गया यह है बच्चों एट एस अच्छा माइनस जीरो जीरो का कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो यही है बच्चों एट एस अब यहां आप से आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू अपन निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको आपसे क्या पूछा गया बच्चों एस डिवाइड दिस तो S के ये वैल्यू कर देते कितनी दस इंटू ग्यारह इंटू बारह इंटू तेरह इंटू चौदह इंटू पंद्रह इंटू सोलह इंटू सत्रह बटे आठ ये तो क्या है एस और नीचे इसमें क्या दे रखा है आपको ग्यारह इंटू तेरह इंटू पंद्रह इंटू सत्रह अच्छा ये इसीलिए दिया था ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए बच्चों तेरा गया ग्यारह गया सब गए ये ये वैल्यू है बच्चों जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं चलो फिर करते हैं इस टेन को तो रहने दो इसके साथ छेड़खानी करो मत आठ से इसको काट देते देखो दो बार सिंपल सा ना अब क्या करें बारह गुना दस इसको तो एक साथ गुणा कर दो एक सौ बीस और चौदह गुणा दो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट ठीक है फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना जीरो बारह इंटू आठ कितना होगा बारह इंटी छाइन बारह गुना दो चौबीस चौबीस प्लस नो चौबीस प्लस नो होता है बच्चों थर्टी थ्री सो ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल है बच्चों कौन सा फर्स्ट ऑप्शन यही है आपका सही आंसर ठीक है ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा बड़ा भी था इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके मेन्स में पूछे जाते हैं बच्चों चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ये देखो देखो कुछ बड़े आते हैं तो कुछ बहुत छोटे भी आते हैं ऐसा बिल्कुल जई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है उसी के आधार पर ही क्वेश्चन बनाया गया है आपका ए वन प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए टेन फोर हंड्रेड है देखो कितना आएगा ए वन का मतलब ए ए सिक्स का मतलब ए प्लस फाइव डी ए सेवन का मतलब ए प्लस सिक्स डी और ए टेन का मतलब हुआ बच्चों ए प्लस नाइन डी और ये किसके बराबर है चार सौ ठीक है कितना आएगा देखो ए ए दो तीन चार ठीक है ना फोर टाइम ए प्लस पांच और पांच ग्यारह प्लस नो दैट इज ट्वेंटी डी और ये कितना है बच्चों फोर हंड्रेड इसमें से फोर कॉमन ए प्लस फाइव डी विल बी इक्वल टू फोर डबल जीरो तो ए प्लस फाइव डी का मतलब हुआ बच्चों सिक्स ट्रम चार सौ बटे चार दैट इज सो और यही पूछिए देखो आपसे ए सिक्स का मान क्या होगा तो ए सिक्स का मान सो होगा बच्चों सेकेंड ऑप्शन जो है वह है आपका सही आंसर

ठीक है इसको देखो यहाँ पर ये कितना देर का है वन ठीक है ये कितना देर का है बच्चों ध्यान से देखो तीन प्लस दो पांच प्लस चार नो इस ब्रैकेट में नाइन प्लस इसको जोड़ो देखो कितना है आ, पांच छ सात आठ नो तो इसको कर दो फाइव टाइम जैसे इसको थ्री टाइम किया ना इसको फाइव टाइम तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में थर्टी फाइव अब ध्यान से देखो बच्चों इन नंबर्स को ये क्या है बच्चों यह है जीरो क्यूब प्लस वन क्यूब यह क्या है बच्चों देखो वन क्यूब प्लस टू क्यूब और यह क्या है ध्यान से देखो बच्चों टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब ठीक है तो यही है बच्चों आपका क्या ट्रिक ठीक है इसी ट्रिक के साथ आपको टेंथ ब्रैकेट में निकालना है तो देखो पहले में जीरो से स्टार्ट हुआ है दूसरे में वन से तीसरे में दो से तो दस में स्टार्ट होगा नौ से नाइन क्यूब प्लस टेन क्यूब कितना होता है सात सौ प्लस एक हजार देखिए आपको पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है ठीक है बाकी आप सीक्वेंस एंड सीरीज से कर सकते हो जैसे क्वेश्चन अपन नॉर्मली सोल्व करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है सबसे पहले तो आप इस तरीके से आ, इसके इन ब्रैकेट्स को आगे की तरफ लिख करके ब्रैकेट की अंदर क्या कर दीजिए ठीक है, है? है? चलिए अच्छा इसको आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे ये वन आ, से स्टार्ट हो रहा है ये वन के स्क्वायर के बाद स्टार्ट हो रहा है ये टू के स्क्वायर के बाद स्टार्ट हो रहा है ऐसे इसको आप आगे चेक करोगे ना नौ के बाद दस से स्टार्ट होगा तो अगली टर्म आपकी सिक्सटीन के बाद सेवनटीन से स्टार्ट होगी फिर अगली टर्म ट्वेंटी तो जो भी आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है उसके हिसाब से आप वो सारी टर्म्स लिख के उसका सम भी कर सकते हैं बच्चों क्लियर यह था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या करना है देखो आपको आर इक्वल टू सिक्स से लेकर के फिफ्टीन तक इसका सिग्मा का सम निकाल देखिए बहुत सारे इस टाइप से बच्चे आते हैं एग्जाम में करते भी सॉल्व भी करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं वो थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं ठीक है ना क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखिए आप आपको सिग्मा में दे रखा है सिक्स से लेके फिफ्टीन तक का वैल्यू पूछा गया है ठीक है तो आर स्क्वाइनस फोर आर पे सिग्मा तो लगाना है बट कहां से कहां तक सिक्स से लेके फिफ्टीन तक तो आपको पहले इसको एक बार लिख लीजिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। प्लस अप फिर माइनस टाइम। आर की वैल्यू भी कहां से सिक्स प्लस सेवन से लेके फिफ्टीन तक अब इसका सम निकालना है तो इसका सम कैसे निकालें? तो देखो इसमें तो एपी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि चलो आ, नेचुरल नंबर नहीं है तो एपी तो है एपी का सम निकाल देंगे बट यहां कैसे करें यहां पर ऐसा क्या करें तो इसको करने का यही तरीका रहता है बच्चों हमेशा पहले आप वन से लेके फिफ्टीन तक का सम निकालिए पूरा ठीक है और उसमें से वो घटा दीजिए जो आपको जरूरत नहीं है आपको वन से लेके फाइव तक का सम की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक क्लियर माइनस फोर इसमें तो आप चाहो तो लगा दो सीधा फॉर्मूला इसमें दस ट्रम है छ से पंद्रह तक तो टेन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस आखिरी टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट चाहो तो इसमें भी यही काम कर सकते थे जो हमने यहाँ पर किया था पहले एक से पंद्रह तक का निकालो फिर उसमें एक से पांच तक का सबट्रेट कर दो इसमें लगा दो बच्चों फॉर्मूला पंद्रह गुणा सोलह गुणा थर्टी वन डिवाइड बाई सिक्स माइनस इसको चाहो तो डायरेक्ट कर दो नहीं तो इसमें भी लगा दो फॉर्मूला पांच इंटू छ बटे छ कट जाएगा फिफ्टी फाइव आएगा ना डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते थे पच्चीस नौ प्लस सोलह पच्चीस पचास चार प्लस एक पचपन सीधा भी आ जाता ये कट जाएगा दो बार माइनस बीस पंद्रह प्लस छर विल बी इक्कीस ठीक है पहले इसको इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा काट दो ये तीन आठ बार और ये पांच बार आठ पंजे चालीस बीस यहाँ पर है तो बीस को कॉमन ले लीजिए तो वहां कितना था 40 तो दो तो 31 वन इंटू टू सिक्स टू माइनस ट्वेंटी बच्चों जो बीच में है. ठीक है? कितना आ रहा minus में कितना है देखो सिक्सटी टू माइनस ट्वेंटी वन दैट इज फोर्टी वन फोर्टी वन इंटू टू एट टू जीरो माइनस पचपन इसमें से कीजिए कम देखिए कितना आएगा सेवन से कर दो पांच ठीक है ना ग्यारह माइनस पांच ग्यारह माइनस पांच छह सेवन सिक्सटी फाइव ऐसा है ऑप्शन बच्चों बिल्कुल है देखो बच्चों वैसे सेवन ही ऑप्शन दिया गया आपको 765, तो इतना ज्यादा फिर सोचने की जरूरत भी नहीं ठीक है ना ये होगा आपका सही आंसर क्लियर सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या है देखो इफ ऑफ दिस सीरीज एंड दिस सीरीज विल बी इक्वल सॉरी एम एम इसकी और इसकी एमत ट्रम है जो एमवा पद है वो बराबर है ठीक है तो आपको बच्चों एम का मान बताना है कि वो कौन सा आ, मान होगा जब ये बराबर होंगे ठीक है तो देखो वैसे तो ऑप्शंस आपके सामने हैं ठीक है, है ना अगर इस टाइप के ऑप्शंस हो तो आपको करने का तरीका यही होना चाहिए जो अभी मैं कर रहा हूं देखो ठीक है वैसे जनरलाइज मेथड भी लगा सकते हैं बट अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही कीजिए सिक्सटी इसमें क्या है बच्चों आपके दो दो का डिफरेंस है अगली सीरीज में क्या है थ्री टेन रहिए जब बराबर आ जाए ना तब रुक जाना है ना चौबीस में सात जोड़ोगे तो इकतीस अगला टर्म होगा बच्चों सेवेंटी वन बराबर नहीं है अभी तो आएगा ही नहीं क्यों बहुत दूर है ये इससे फिर सात जोड़ा थर्टी एट फिर सात जोड़ा फोर्टी फाइव इसमें चलोगे तो सेवनटी थ्री सेवन इसमें तो आगे बढ़ेंगे नहीं ज्यादा इसमें बढ़ रहे हम आगे फिर आगे चले 45 के बाद 52 52 के बाद 59 फिर 66 इसमें बढ़ो दे आगे 77 79 ये खरगोश ये कछुआ है ना 79 के बाद 81 ये 66 अब थोड़े से आसपास में ना ध्यान एक-एक करके लिखते हैं इसमें सात जोड़ेंगे तो 73 6 6 12 और एक 13 इसमें फिर 83 पहुंच गया ये फिर इसमें आगे बढ़े 73 के बाद तो ये एटी ये एटी फाइव पे पहुंच गया फिर इसमें आगे बढ़े तो एटी सेवन तो ये भी एटी सेवन तो अब गए अपन बराबर अच्छा इसमें एक बच्चे गड़बड़ी करते हैं क्या इधर सेवनटी थ्री आया इधर सेवनटी थ्री आया और बोल दिया कि हां ये दोनों बराबर आ गए इसलिए ये ट्रम कॉमन हो जाएगी बच्चों उसकी नंबर ऑफ ट्रम्प कॉमन कौन सी है ये भी देखना आपको ना इसका सातवां ट्रम्प है तो इसका भी सातवां ही होना चाहिए तो ये ट्रम है ऐसी जो दोनों में इक्वल पोजीशन पर है और इसकी वैल्यू भी बराबर है और ये ट्रम है बच्चों आपकी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब इसमें भी एपी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि जब सब कुछ लिख के देखा है तो इसको भी लिख लो ना इसमें कितना टाइम लगेगा ठीक है तो ये जो ट्वेंटी टू क्वेश्चन है उसका जो आपका सही आंसर है वो है बच्चों थर्ड ऑप्शन थर्टीन आपका आंसर आने वाला है ठीक है बाकी आप एपी का कॉन्सेप्ट अगेन फिर से लगा सकते हो ठीक है इसके अंदर क्योंकि टू का डिफरेंस है इसके अंदर भी ऐसा है ठीक है तो आप सबसे पहले दोनों का एन वन ट्रम बराबर कीजिए और फिर उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है उसको भी बराबर कीजिए वहां से आंसर आ जाएगा इसका भी एन वन ट्रम लिख लीजिए इसका भी एन वन ट्रम एम वन ट्रम लिख लीजिए दोनों को बराबर कीजिए और फिर वहां से देखिए कि कौन सा ट्रम वो आ रहा है ठीक है ना सीधा आंसर आ जाएगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन ये भी देखो ये भी मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना सीधा दिमाग लगाना आपको देखो एक कितनी बार आ रहा है एक बार दो कितनी बार आ रहा है दो बार तीन कितनी बार आ रहा है तीन बार चार कितनी बार आ रहा है चार बार ठीक है ना इन्हें सिक्वेंस वन टू टू थ्री 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 फोर 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 वेर एन कॉन्जीग ट्रम है वैल्यू एन देन वन थर्टी ट्रम ठीक है ना एन कॉन्जिगेटिव ट्रम है जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास में एन मतलब तीन कॉन्जिगेटिव ट्रम का जो मान है वो तीन एक कॉन्जिगेटिव ट्रम का मान एक है ना इस तरीके से एक सौ ट्रम पर क्या आएगा ये बताना है आपको तो एक्चुअली क्या है देखो बच्चों ये जो सिक्वेंस चल रही है ना आगे वाली वन टू थ्री फोर ठीक है ना क्योंकि इसके बाद में आ, अच्छा ये फोर्थ नहीं ऐसे तो फोर, तो फोर फोर वन थर्टियत ट्रम की कुछ वैल्यू आएगी हो सकता है उसकी उसकी अगल बगल वाली ट्रम्प की वैल्यूज भी वही हो बट हमें तो वन थर्टियत ही चाहिए कि उसका मान कितना होगा ठीक है तो चार प्लस पांच प्लस छ आपको ऐसे देखना है कि इसमें हम वन थर्टी तक कब पहुंचेंगे अगेन देखो सिंपल तरीका एक तो इसको जोड़ दो नहीं तो इसमें एन का फॉर्मूला लगा दो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ठीक है ना एन तक ऐसा आ जाएगा अब ये बच्चों आना चाहिए ठीक है देखो जब आप इसके अंदर जैसे एन की वैल्यू फोर पुट करोगे ठीक है तो आपके पास में कितना आएगा दस आएगा ठीक है ना दस आने का मतलब क्या हुआ एन की वैल्यू से फोर पुट किया आपने यहां पर फोर फोर टू फाइव इंटू टू टेन तो ये टेन आने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास में जो टेंथ टर्म है ना उसकी वैल्यू क्या है फोर है अच्छा इसमें थ्री पुट करोगे आप कितना आएगा थ्री इंटू फोर आ, फोर थ्री टू सिक्स इसका मतलब क्या हुआ आ, कि इसके अंदर जो आपके पास में सिक्स टर्म है ठीक है ना जो सिक्स टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में थ्री है तो इसमें एक्चुअली उल्टा है ना जैसे आप अपन हमेशा करते हैं ना उसका उल्टा है तो इसमें भी आपको ऐसा ही करना है अब इसके अंदर कि वन थर्टी कब आएगा ठीक है तो देखो अगर मैं 17 पुट करूंगा तो कितना आएगा बच्चों अच्छा ये लास्ट टर्म होती है उसकी ना सो so, 17 18 2 सो दैट इज नाइन तो ये आ जाएगा बच्चों 153 अच्छा 153 इसकी लास्ट टर्म है और मैंने 17 पुट किया है ठीक है ना जैसे यहाँ पर जैसे मैंने 4 पुट किया था 10 आया था ठीक है ना तो दसवीं टर्म फोर थी लेकिन इसमें पिछली जो ए, इसके अलावा भी जो तीन टर्म और है वो भी क्या होगी फोर होगी ऐसे जैसे इसमें मैंने एक सेवनटी पुट किया वन फिफ्टी थ्री आया मतलब इसकी सेवनटीन ट्रम फिफ्टी थर्ड टर्म की वैल्यू सेवनटीन है बट उसके पहले जो सिक्सटीन टर्म है ना उनकी वैल्यूज भी क्या होगी उनकी वैल्यूज भी आपके पास सेवनटीन ही होगी तो क्या वन थर्टी पहुंच जाओगे तो बिल्कुल नहीं पहुंचोगे वन फिफ्टी थ्री में सिक्सटीन कम भी कर दोगे तो कहां पहुंचोगे वन थर्टी सेवन तक फिर मैंने इसमें 16 पुट किया तो 16 17 2 ये कितना आ गया 138 वैसे इन दोनों का डिफरेंस से भी आपको का पता चल जाएगा कि यहां तक वही टर्म होगी है ना 138 से आपको कितनी 16 टर्म पीछे जाना है तो क्या 138th टर्म आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी तो यही है बच्चों आपका सही आंसर दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 23 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में क्या है आइए देखते हैं ये देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ऐसे किए होंगे आप लोगों ने बहुत सारे श्रेणी इसके नाइन पदों का योग निकालना है तो पहले नाइन्थ पद क्या है वो देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म ठीक है तो टी आर कितना है देखो आर इंटू आर प्लस वन बाई टू का क्यूब अच्छा कैसे निकाला देखो पहले में वन क्यूब दूसरे में ये तीसरे में ये तो आर में क्या होगा आर क्यूब तक तो का सम आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू आर प्लस वन बाई टू का होल स्क् एक एक प्लस तीन चार ये कितना है नो तो वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर तो इसमें आ जाएगा आर का स्क्वायर तो इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन इस पर सिग्मा लगा दो नीचे वन बाई फोर भी है और कहां से कहां तक वन से लेके नाइन तक क्योंकि आपको इसमें क्या करना है सम ऑफ दी फर्स्ट नाइन टर्म पहली नाइन टर्म का सम निकालना है तो इसमें पुट कर दीजिए नाइन तो कितना आएगा देखो नाइन इंटू टेन इंटू एटीन इंटू वन सेवनटीन बाई सिक्स प्लस टू इंटू नाइन इंटू टेन बाई टू और प्लस अच्छा सिग्मा वन इसकी वैल्यू भी आएगी कितनी नाइन टू से टू गया ये गया तीन बार पर कितना बचेगा? दो, दो से बार। बार इस तो 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 करना ही पड़ेगा। 15 into 17, चाहो तो कॉमन कॉमन ले ले सकते हो। ठीक ठीक है। आ, नाइन पर है, थ्री पर है, है। तो है पर 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 को लेते हैं इसको बाद में देख लेंगे आ, 17 into 5, there will be 85, बाकी तो कट गया था यहां पर, पर बचेगा थर्टी और यहां पर बचेगा थ्री कितना आएगा पांच और तीन आठ तो ये आ जाएगा एट फिर आएगा आपके पास थ्री एट प्लस थ्री आठ नौ दस ग्यारह बाहर है थ्री डिवाइड बाई फोर so, चलिए बच्चों देखते हैं देखिए, सो uh, so, यहाँ पर देखिए uh, हमने गड़बड़ कर दी या नाइन इंटू टेन इंटू ये नाइनटीन होगा ना सेवनटीन नहीं आएगा टू आर प्लस वन एटीन प्लस ठीक है सो so, नाइनटीन आने से यहां पर नाइनटी फाइव आएगा और नाइनटी फाइव आने से यहां पर वन ट्वेंटी एट आएगा आप देखो ये फोर से कट जाएगा कितनी बार? 32 बार और 32 into 3, that is 96. और और यही है 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 बच्चों हमारा आंसर आंसर तो का जो सही है आपका that is fourth option. सभी को चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बारे में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आगे देखिए बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है आपका जीपी A1, ये ट्वेंटी फाइव है तो ये किसके बराबर होगा देखो ए थ्री बाई ए वन का मतलब अपॉन ए फाइव किसके बराबर होगा सो so, दर की पावर एट डिवाइड बाई ए आर की पावर फोर ये कट जाएगा दैट इज आर टू दी पावर फोर इसकी पावर प्लस माइनस फाइव कुछ भी करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको 625 25 का स्क्वायर दैट इज 625 ऐसा है आपके पास में ऑप्शन नंबर फोर सो so 25 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन फोर्थ तो ऑप्शन क्लियर है चलिए तो ये हो गए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं अब यहां से अपन बात करते हैं आगे वहां जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन उनके जो आंसर है वो आपके डबल डिजिट के अंदर आ सकते हैं सो so, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाई वन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एक सीक्वेंस एस बराबर ये है देन द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू तो एस का जो मान होगा वो निकालना है तो देखिए जो तो पहला सिग्मा आपके पास में लगा हुआ है वो वन से इनफाइनाइट एन पे लगा हुआ है ठीक है तो पहले एन वाले सिग्मा को सोल्व करते हैं एक रहेगा और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं एन की जगह सो तो के डिवाइड बाई टू की पावर के प्लस वन ठीक है फिर आएगा वापस के डिवाइड बाई टू की पावर के प्लस टू फिर आएगा के डिवाइड बाई टू की पावर के प्लस थ्री ऐसे चल रहा है ये कहां तक इनफाइनाइट तक जाना है इनफाइनाइट टर्म्स का सब निकालना है अब देखो यहां से के तो कॉमन आ जाएगा नीचे से टू की पावर के भी कॉमन आ जाएगा सो के डिवाइड बाई टू की पावर के इसको तो कॉमन ले लेते हैं के पर लिमिट लगी हुई है अभी वन से इनफाइनाइट तक और यहां बचेगा वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट इनफाइनाइट तो ये क्या है ये तो एक जीपी है जिसका सम निकाल सकते हैं हम बड़ी आसानी सेन so तो तो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की वैल्यू मिल जाएगी अपने को के डिवाइड बाई टू की पावर के प्लस वन अब इस एस पर फिर से आपके पास में सिग्मा लगा हुआ है कहां से कहां तक के ऊपर वन से लेके इनफाइनाइट तक ठीक है ना ये किसके ऊपर है ये है आपके पास में K के उपर, S के ऊपर एस के ऊपर नहीं के के ऊपर सिग्मा लगा हुआ है चलिए इसमें फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो एस बराबर क्या मिलेगा देखो वन डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई टू का क्यूब प्लस थ्री डिवाइड बाई टू की पावर फोर अप टू इनफाइनाइट तक फिर से तो इस बार जो सीरीज बनी है इस बार वो सिर्फ जीपी नहीं है हमारे पास वो क्या है वो ए जीपी है तो उसका जो सम है वो हमें फिर से निकालना पड़ेगा तो उसको देखो नोट करते हैं वापिस और देखते हैं कि उसका सम क्या आ रहा है तो इस बार अपन क्या करते हैं इसको पहले तो एस को लिख लेते हैं वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई सिक्सटीन ऐसा है वहां से हमने जो कॉमन लिया था दैट इज के अपॉन टू की पावर के ठीक है अच्छा वहां से टू की पावर के ही तो कॉमन आया था हमारा ठीक है ना एक बार दोबारा देखें क्या चलो देखो एक बार दोबारा देखते हैं इसका सॉल्यूशन ठीक है यहां पर अगर अपन वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहले के अपॉन टू की पावर के ये बाहर कॉमन आ जाएगा क्यों क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एन पर सिग्मा लगा रहे हैं तो सबसे पहले आएगा वन बाई टू फिर आएगा वन बाई फोर फिर वन बाई एट अप टू इनफाइनाइट ऐसे चलेगा तो इसका जो सम आएगा हमारे पास में वो कितना आएगा डिवाइड और ये बाहर इट इज रहेगा k upon की पावर के सिग्मा तो ये इससे कट जाएगा और के अपॉन टू की पावर के आएगा तो जो हमारे पास में नया एस जो आया था वो कितना आ रहा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट अप टू इनफाइनाइट सॉरी ऊपर वन टू थ्री फोर ऐसे चलेगा क्यों क्योंकि तो और नीचे वन से स्टार्ट करना है तक जाना है। अब इसको इसको हमने S one by two से multiply किया तो ये आ आ जाएगा one by four, जाएगा two by eight, और एक step इसको आगे लिख दिया, S minus S by two, कितना आएगा वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट एंड सोन एस बाई टू विल्वल टू वन बाई टू डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई टू जो पहले आया था वही है बिल्कुल सेम सो so अगेन इससे ही कट जाएगा और वन आ जाएगा सो so की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी वन तो यहां से हम एस निकाल सकते हैं एस विल बी इक्वल टू टू और यही है हमारा सही आंसर ठीक है तो इसको आपको दो बार सिग्मा को सोल्व करना है पहले एन पे लगा हुआ तो एन को सोल्व कीजिए और उसके बाद में केव को केव कर लीजिए क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर टू एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर है एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है मीन एक्स और वाई इंडिविजुअली या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो इसका मान कितना होगा ठीक है तो देखो अगर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये टर्म कैसी होगी देखो बच्चों x नेगेटिव y भी नेगेटिव तो ये कैसा रहेगा पॉजिटिव x और y दोनों नेगेटिव तो ये टर्म भी कैसी है बच्चों पॉजिटिव वाई स्क्वायर एक्स की पावर फोर तो ये टर्म भी कैसी है पॉजिटिव तो एक्स वाई चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव ये जो तीन टर्म्स का जिसका हमें न्यूनतम मान पूछा है वो तीनों के तीनों टर्म अभी भी पॉजिटिव है तो आप इस पर सीधा ए एम जी एम लगा सकते हैं और जैसे ही आप एम जीएम लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा क्यूब वाई बाई थ्री, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है जितना ऊपर है डेटा वही सेम नीचे है तो वो कट जाएगा डिवाइड बाई थ्री क्योंकि तीन टर्म है विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन टू एक्स डिवाइड बाई वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई थ्री और फोर वाईडो एक्स एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर वाई स्क्वायर वाई वाई क्यूब इसकी पावर कितनी है बच्चों वन बाई थ्री ऊपर तो है एट नीचे ट्वेंटी सेवन सो दू बाई थ्री ठीक है इस थ्री से ये थ्री कट जाएगा तो इसका जो मिनिमम मान है वो आपके पास में इसी एक्सप्रेशन का पूछा था थ्री कैंसिल आउट हो चुका है तो ये न्यूमरेटर में जो है वही बचेगा तो इसका आंसर भी आपका कितना आ जाएगा बच्चों दो हाँ इसमें ये बात जरूर आपको देखनी थी क्योंकि एक्स वाई नेगेटिव भी अगर हो जाते तो इसमें से अगर कोई भी एक टर्म नेगेटिव आ जाती तो फिर आप एम जी एम नहीं लगा सकते थे क्लियर चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्या है देखो थर्ड क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर अर्थमेटिक प्रोग्रेस टू यदि इस के समांतर में हो तो उसके का अंतर क्या होगा अधिकतम और न्यूनतम मूल जो है उनका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है देखो अगर इसके आ, रूट्स एपी में है तो क्या होंगे बच्चों ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ठीक है क्योंकि क्यूबिक है तीन रूट्स होंगे और इनका सम दे रखा है आपको 144 फोर्टी फोर डिवाइड बाई सिक्सटी कितना आ रहा है डी कैंसिल आउट थ्री ए विल इक्वल टू वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई सिक्सटी फोर तीन से काट दीजिए चार आठ बटे सिक्सटी फोर फिर इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए वन टू डिवाइड बाई सिक्सटीन फिर इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए थ्री बाई फोर ए आ गया हमारे पास थ्री बाई फोर ठीक है अब इसके अंदर आपको दो चीजें पता है आपको प्रोडक्ट भी पता है और आपको दो दो के प्रोडक्ट का सम भी पता है तो आप कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हैं मैं प्रोडक्ट की इक्वेशंस बना रहा हूं फिर से ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर फिफ्टीन बाई सिक्सटी है हमारा थ्री बाई फोर हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन माइनस डी ठीक है चार से कट जाएगा सोलह बार तीन से कट जाएगा पांच बार तो यहां से बच्चों आपको डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी कितनी नाइन माइनस फाइव दैट इज फोर डिवाइडी माइनस वन बाई फोर ठीक है आपको क्या पूछा है निम्निस्ट और उच्चिष्ट का डिफरेंस ठीक है ना उच्चिष्ट तथा निम्निस्ट बड़ा और छोटे का डिफरेंस तो कितना होगा ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी तो ऐसे ही कट जाएगा दैट इज टू डी ठीक है और टू डी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी हमारे पास में ठीक है तो यहां से जो टू डी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में आ, वो आ जाएगी कितनी आ, क्योंकि डी की जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास में नाइन माइनस सिक्सटीन इंटू डी स्क्वायर दैट इज वन बाई सो जो टू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में वन बाई सॉरी बच्चों वन बाई टू नहीं आएगा देखो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू वन बाई फोर आ रही है सो डी की वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू और माइनस वन बाई टू ठीक है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का जब आप डिफरेंस निकालोगे ठीक है तो वो आएगा टू डी सो डी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो कितनी आएगी वन आएगी तो इसका जो सही आंसर है आपका वो जीरो वन क्लियर है अच्छा इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे अधिकतम से न्यूनतम वाले का निकाल के देखेंगे तो वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही हमेशा मिलेगी क्लियर चलिए फिर आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको देखा एस एन एस टू एन एस थ्री एन आर डी सम ऑफ दस्ट एन टू एंथ एंड थ्री एन रेस्पेक्टिवली ऑफ एन अर्थमैटिक प्रोग्रेस एस थ्री एन डिवाइड टू देखिए थ्री एन पदों के योग को दर्शाते हैं एस एन एस टू एन और एस थ्री एन तो ये किसके बराबर होगा तो वैसे तो देखो बच्चों इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो फॉर्मूला लगाने से भी आपका आंसर आ जाएगा एस थ्री एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रम थ्री एन प्लस थ्री एन माइनस वन इन टू डी डिवाइड बाई टू एन डिवाइड माइनस एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है यहां पर टू एन है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म टू एन वहां पर एन तो देखो एन बाई टू तो कॉमन आकर के कट कर जाएगा ऊपर तो से बचाएगा थ्री अंदर है टू ए प्लस एन थ्री एन माइनस वन इंटू डी और नीचे देखो क्या आएगा यहाँ पर 2 बाहर है तो माइनस टू ए सो दू ए टू इंटू टू फोर एन उधर से कितना है माइनस एन सो दैट इज प्लस थ्री एन माइनस टू डी प्लस डी दैट इज माइनस डी और ब्रैकेट बंद तो ये कट जाएगा पूरा और आंसर आ जाएगा थ्री वैसे बच्चों आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना भी क्यों क्योंकि अगर ये आपके पास में किसी भी एपी को निरूपित कर रही है तो ये भी तो एक एपी है इसमें क्या दिक्कत है ठीक है है इसके अंदर अगर आपको क्या करना है आपको एस थ्री एन डिवाइड बाई एस टू एन माइनस एस एन पुट करे ठीक है तो अगर मैं एन की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूं वन टू थ्री कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू मैंने टेन भी पुट कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ एस थर्टी इसका ट्वेंटी माइनस टेन थर्टी बाई टेन द्री दैट इज आंसर तो ऐसे तो, मतलब मतलब तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से शॉर्टकट भी लगा सकते हैं ठीक है थीके? चलिए इसी के साथ देख लेते हैं हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ठीक है आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है जिसका आ, सम को एस से दर्शाया जाता है एस से निरूपित किया जाता है तो आपको 1/s निकालना है ठीक है और सीक्वेंस में देखिए ऊपर तो समझ में आ रहा है 3 4 5 6 तो अगर मैं एक आर्थ्र टर्म की बात करूं तो ऊपर तो है r 2 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बट नीचे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें ऐसे लग रहा है टू क्यूब टू की पावर फोर टू की पावर सिक्स टू की पावर सेवन तो अगर लगातार होता ना बच्चों तो तीन, चार के बाद पांच होता ये गलती से प्रिंटिंग नहीं है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं गलती से होगा पर होता होता इसका मतलब सीधा तो कुछ नहीं है कुछ और गड़बड़ी है तो और गड़बड़ी क्या है तो देखो बच्चो यहाँ तीन यहाँ चार तो यहाँ पर छह या सात कुछ गड़बड़ी कुछ जच नहीं रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा यहाँ से अच्छा यहाँ पर तीन यहाँ पर भी तीन इधर पांच अच्छा दो और चार नहीं है लेकिन दो और चार तो बन जाते हैं ना बच्चों दो से तो एक काम करते हैं ना इसमें से देखो टू का स्क्वायर को अलग कर ले टू के स्क्वायर को अलग कर ले तो पीछे टू बचेगा और उसको लिख दिया वन इंटू टू सिर्फ डिनोमेटर को देखना ध्यान से इसमें देखो टू स्क्वायर के बाद अगली टर्म टू क्यूब आनी चाहिए तो फिर टू इंटू थ्री बचा है क्या तो बिल्कुल है देखो टू क्यूब अलग कर दिया तो एक दो और एक तीन बाहर रह गया इसमें से देखो टू की पावर चार को अलग कर दिया ठीक है तो पीछे क्या होना चाहिए तीन इंटू चार बच रहा है क्या तो देखो चार को अलग किया है ना इसमें से तो दो, दो बचेगा तो बिल्कुल चार बचा हुआ है तीन लिखा हुआ है वहां पर फिर टू की पावर फाइव फोर इंटू फाइव आना चाहिए क्या है क्या ऐसा पांच अलग करने के बाद चार इंटू पांच तो बिल्कुल यही पैटर्न है आपका तो टू की पावर टू टू की पावर टू मीन्स टू की पावर आर प्लस वन वन पुट करने से टू फिर क्या है वन इंटू टू आर पुट करने से वन इंटू टू आर इंटू आर प्लस वन तो ये है बच्चों आपकी इसकी जनरल ट्रम ठीक है अब आपका क्वेश्चन था वो यही पर कि ये कौन सी सीरीज है आपकी इस टाइप की ठीक है अब इसमें क्या लगाना है इसको डिफरेंस में बनाना है डिफरेंस में बनाने के लिए ऊपर आर प्लस टू इसको लिखा टू इंटू आर प्लस वन माइनस आर डिवाइड बाई टू को अलग इंटू टू की पावर आर इंटू आर इन टू आर प्लस वन ठीक है ना सबको कर दिया अलग अलग अच्छा इसको ऐसा ही क्यों लिखा हमने टू की पावर आर प्लस वन आर प्लस वन और आर के फैक्टर तो वैसा ही लिखना है कुछ और साथ में आपको आर प्लस टू बच जाना चाहिए इसलिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया एक आर भी बच जाएगा और टू भी बच जाएगा फिर इसको इससे डिवाइड करो भाग दो देखो इसमें आर प्लस वन गया टू गया क्या बचेगा वन अपॉन टू की पावर आर आर प्लस वन गायब तो आर बच जाएगा माइनस इसमें सिर्फ आर गायब होगा सो तो वन अपॉन टू की पावर इसमें दोनों बच जाएंगे तो इसको फिर एक साथ मिला के लिख दिया आर प्लस वन और साथ में आर प्लस वन ऐसा आ जाएगा एस बराबर इसमें पुट कर दो वैल्यूज कहां से वन से क्योंकि हमने वन के हिसाब से लिखा था ना इसको वन पुट करेंगे तो वन बाई टू माइनस स्क्वायर इंटू तू। तू। फिर टू पुट करो प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री माइनस टू स्क्वायर तो यहां पर टू यहां पर टू पुट uh, करोगे तो टू क्यूब इंटू थ्री ठीक है तो देखो इससे ये कट गया ऐसे ही आगे वाले से कट जाएगा सारे कटते रहेंगे यहाँ इनफाइनाइट में लास्ट टर्म को देखना नहीं होता है तो एस बराबर वन बाई टू आ जाएगा सो वन बाई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों दो आ जाएगी तो इसका भी जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका दो क्लियर तो ये था आपका आपके जो मैथ केम का जो थर्ड पेपर था उसका सॉल्यूशन ठीक है और यहीं पर ये कंप्लीट हो जाता है ओके बच्चों थैंक यू वेरी मच हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुडा माय सेल्फ चंद्रकांत सनी टीम केमिस्ट्री आज अपन डिस्कस कर रहे हैं मैथ केम जी पेपर थर्ड ठीक है और उसका सब्जेक्ट कौन सा केमिस्ट्री मैडम जिसमें आपके टॉपिक दे रखा है हाइड्रोकार्बन आज उसका पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू प्रिपेयर ए प्योर सैंपल ऑफ एन एनसन यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट रिएक्टेंट द अदर विल बी ये कह रहा है अपने को कि अपने को को कि एन बनाना है और एन हेक्जन बनाने के लिए कौन सा अपने को इनमें से ऑप्शन जो रिएक्टेंट है वो यूज करना पड़ेगा तो इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है एन प्रोपिल ब्रोमाइड का दे रखा है ठीक है तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड एन प्रोपिल ब्रोमाइड क्या होता है बेटा ओके आपको पता है कौन सी रिएक्शन है ये वोड्स रिएक्शन है ध्यान रखना वोड्स रिएक्शन है उसमें किसके साथ रिएक्शन होगी एन के साथ रिएक्शन होगी ठीक है बी आर सी एस टू सी टू सी थ्री राइट इनको अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा इसमें से क्या जाता है दो सोडियम के साथ में क्या दो हेलोजन बाहर होंगे क्या बनेगा आपका जो क्वेश्चन में आंसर आएगा सी एस थ्री सी एस टू

एथिल ब्रोमाइड और एन ब्यूटिल ब्रोमाइड से हेक्सेन तो बन जाएगा बट हेक्सेन के साथ ब्यूटेन भी बनेगा और इसके साथ में आपके ओक्टेन भी बनेगा इसमें मिक्सचर मिलता है आपको ठीक है इसमें भी आपको क्या बनेगा मिक्सचर बनेगा और इसमें आपसे क्या बनेगा बेटा मिक्सचर बनेगा ये जो तीनों कंपाउंड है इन तीनों कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा मिक्सर मिलेगा ठीक है जबकि अपने को सिर्फ ओनली क्या बनाना है एन हेक्जेन बनाना है तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा आप चले सेकंड नंबर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन दे रखा बेटा आपको सोडियम एसिडेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय ये कह रहा है कि सोडियम एसिडेट को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसके द्वारा हीटिंग विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ठीक है अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और सोडियम एसिडेट का आप लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड के साथ सोडियम एसिडेट का हाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट का आप रिडक्शन करवाओगे तो बेटा एल्कोल बन जाएगा ध्यान रखना क्या बनेगा एल्कोल बनेगा एल्कोल बन जाएगा ठीक है दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कि इलेक्ट्रोलाइजिंग इट्स एक्वा सोल्यूशन किसका सोडियम एसिटेट का सोडियम एसिटेट का बेटा इलेक्ट्रोलाइसिक करवाएं अपन पता है आयनाइजेशन होगा क्या बनेगा सी एस राइट ठीक है फिर सीएस थ्री सीओ किस में डिवाइडेड होगा बेटा सी एस थ्री सीओ रेडिकल में इलेक्ट्रॉन बाहर होगा रेडिकल से बाद में क्या बनेगा बेटा सी एस थ्री रेडिकल तो सॉल्यूशन में काफी सारे सी एस थ्री रेडिकल बनते हैं और वो सी एस थ्री रेडिकल दूसरे अगेन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके और किसका फॉर्मेशन करते हैं सी टू एस सिक्स का किसका करेंगे फॉर्मेशन बेटा सी टू एस सिक्स और आपको चाहिए क्या आपसे पूछा क्या है सोडियम एसे कन्वर्ट टू इथेन सोडियम एसीटेट कन्वर्ट करना है किसमें इथेन में तो वो प्रोसेस आपका कौन सा है बेटा सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका सेकंड जलीय विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा इलेक्ट्रोलाइजिंग इट्स एक्वस सॉल्यूशन सोडा लाइम के साथ करवाएं अगर सोडा लाइम के साथ करवाते हो बेटा ध्यान रखना सोडा लाइन का फार्मूला क्या होता है NaOH प्लस इसके साथ में क्या होता है CaO ठीक है हीट करते हो तो यहां से आपके बेटा क्या जाता है Na2CO3 और H की रिएक्शन किससे CH3 से तो क्या बनेगा CH4 बनेगा ध्यान रखना क्या बनता है मीथेन बनती है इथेन नहीं बनती है। और जब ये आपको यहां बनाना क्या है इथेन बनाना है तो इथेन बनाने का ऑप्शन जो होगा वो आपका है इलेक्ट्रोलाइजिंग इट्स एक्वस सॉल्यूशन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा ठीक है थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉलोइ इज ऑक्सीडाइज बाई है निम्नलिखित में कौन केमोनोफोर द्वारा ऑक्सीकृत हो सकता है तो इसमें आपको मिथेन दे रखा है उसके लिए थ्री डिग्री हाइड्रोजन होना है और थ्री डिग्री हाइड्रोजन बेटा किसमें आइसोब्यूटेन में तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ये लीजिए ठीक है

ठीक है बेटा तो ये चीज याद रखना तो उसके लिए आपके पास पॉसिबल क्या होना चाहिए थ्री डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए ये हाइड्रोजन आपका कौन सा है थ्री डिग्री हाइड्रोजन ठीक है तो थ्री डिग्री हाइड्रोजन को आसानी से क्या करेगा ऑक्सीडाइज करे और ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है जो इसमें नहीं है मेथेन में नहीं है आपके पेंटेन में नहीं है नीओ में नहीं है तो आंसर क्या होगा बेटा आइसोब्यूटेन आंसर होगा ओके चले नेक्स्ट चलते हैं बेटा

फिर यहां से क्या निकल जाएगा बेटा आपका एम जी एक्सल निकलेगा कीटोन बन जाएगी राइट कीटोन पे अगेन आपके CS3, -X का रिडक्शन होगा किटोन डिग्री एलकोल बन जाएगा ध्यान रखना क्या बनेगा थ्री डिग्री एलकोल बनेगा इससे ओके नेक्स्ट आ जाइए आप इसके साथ करवाते बी टू एसिक्स डायबोर के साथ तो डायबोर के साथ और साथ में क्या दे रखा है एसिटिक एसिड असेट दे रखा है बेटा प्रोपेन बनेगी ध्यान रखना क्या बन जाएगी प्रोपेन बन जाएगी और रेड फास्ट प्रेजेंस में के साथ भी रिएक्शन करवाते हो तो के साथ पाई की ब्रेकिंग होगी इससे भी क्या बनेगी सीएस टू सी एस थ्री प्लस आई टू बाहर जाएगा टू एच आई काम आते हैं तो इससे भी प्रोपेन बन रहा है इससे भी प्रोपेन बनेगा बट इससे प्रोपेन नहीं बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड आपसे पूछा विल नोट गिव प्रोपेन ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड आंसर होगा जब आप सॉरी नहीं सेकेंड आंसर होगा आंसर क्या होगा सेकेंड होगा एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर अपन ग्रिगनार रिएजेंट के साथ करवाएं ठीक है तो एल्कोहल बनता है प्रोपेन नहीं बनता है ओके नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या कह रहा है निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किसका क्वनाक उच्चतम है निम्नलिखित में अब एक चीज ध्यान रखना आपके पास एक अशाखित होता है अशाखित और एक शाखित स्ट्रक्चर होती है जब मोलिकुलर वेट क्या हो बराबर हो ठीक है नॉन ब्रांच और एक ब्रांचेज तो ब्रांचेज का कम होता है क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर अगर ब्रांच इन बढ़ती है तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाता है वो क्या होता है बेटा कम हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कम होता है ये ध्यान रखना तो साखित का ज्यादा होता है और का क्या होता है कम होता है पहली बात दूसरी बात मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा तो यहां आपको देखो पेंटेन दे रखा है ब्यूटेन दे रखा है हेप्टेन दे रखा है और आइसो ब्यूटेन -so दे रखा है राइट right? पेंटेन में आपके बेटा नियो पेंटेन फाइव कार्बन वाला एन ब्यूटेन फोर कार्बन वाला एन हेप्टेन सेवन कार्बन और ऑफ बूटेन आईस ब्यूटेन में आपके फोर कार्बन तो नंबर ऑफ हाइड कार्बन कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कहा ज्यादा बेटा एन हिप्टेन में ज्यादा है तो अणुओं की संख्या ज्यादा है परमाणुओं की संख्या ज्यादा है तो आकर्षण बल भी क्या होगा ज्यादा होगा आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उसका क्वनांग भी क्या होगा बेटा ज्यादा होगा तो आंसर होगा आपका इसमें कौन सा थ्री हेप्टेन ध्यान रखना ठीक है आंसर होगा थ्री हेप्टेन चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर प्रोपाइन देता है कार्बाइड विच रिएक्ट विथ वाटर टू गिव प्रोपाइन आपको फर्स्ट दिया है एल्यूमिनियम कार्बाइड ठीक है एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है ए एल फोर सी थ्री है ना वो आपके किससे रिएक्शन करता है बेटा ध्यान रखना एलुमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके और आपके मिथेन देता है कौन सी गैस देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है साथ में ध्यान रखना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ठीक है तो ये आपके जो प्रोड्यूस करता है वो करता है आपको आपको दिया केल्सियम कार्वाएड। केल्सियम कार्वाएड की जब होती है है के साथ तो आपको पता एसेटिल बनती है ठीक है इसमें क्या बना एसिडीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो ये आपके प्रोड्यूस करता है बेटा एसेटलीन जबकि पूछा गया यहां पे प्रोपाइन पूछा है ठीक है नेक्स्ट आपको दिया मैग्नीशियम कार्बाइड मैग्नीशियम कार्बाइड एम जी थ्री सी टू की रिएक्शन करवाते हो ठीक है एम जी थ्री सी टू की रिएक्शन साथ हो बेटा तो आपके प्रोपाइन बनती है ध्यान रखना क्या बनती है प्रोपाइन बनती है ओके ये आपके प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है कौन मैग्नीशियम बेरिलियम बेरिलियम कार्बाइड बी टू सी जो होता है बी टू सी आपके मैथिन गैस प्रोड्यूस करता है कौन सी गैस

नेक्स्ट आपसे पूछा है पैराफिन मोम पैराफिन अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन स्टार्टिंग लिखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ठीक है, है तो इनको अपन बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पेरा पेरम और एफिनिस होता है पेरम और एफिनिस होता है पेरम का बेटा मतलब होता है कम

नेक्स्ट एडिशन दिया आपको दिया है C6H5CH2CH C6 सिक्स एच फाइव डबल बॉन्ड सी ठीक है सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल सॉरी सी एस डबल बॉन्ड सी और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है H2SO4 टू का आप क्या कराओगे आयनाइजेशन कराओगे किसमें होगा H+ HSO4- ठीक है बॉन्ड ट्रांसफर करोगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ठीक है तो आप क्या बनाओगे बेटा बोलो C6H5 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 यहां क्या बना आपका कार्बो बना ना बट ये कार्बो कैटायन यहां से हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी बेटा रिप्लेसिंग हो जाएगी किस साइड इस CH के पास क्यों होगी अगर ये कार्बो आपका इस कार्बन पे हो किसके बेंजीन के पास वाले पे तो बेंजीन इसके साथ क्या करेगा रेजोनेंस कर लेगा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा बेंजीन के ठीक है तो जैसे रेजोनेंस होते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो आप एच की शिफ्टिंग कराओगे तो क्या बनेगा बेटा सी सिक्स एच फाइव सी एच ये कार्बोकटाइन बन जाएगा सी एस टू और सी एस थ्री किस लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज हो ठीक है और अब इस पर किसका अटैक होगा बेटा वही आपके एस टू होगा ठीक है एस टू अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा क्या बनेगा बेटा सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ एस टू फिर क्या होगा एच डोनेट कर देगा ये एच ऑक्सीजन पे क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज क्रिएट हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव ठीक है तो ये बन जाएगा आपका क्या बनेगा बेटा एच एन जब निकलेगा तो ये बनेगा आपका सी सिक्स फाइव सी एस टू सी एस थ्री राइट अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या होगा राइट right होगा जल्दीबाजी मत करना कहीं यहां मत लगा देना क्यों कार्बोटेन तो ये बनेगा बट हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी कार्बोटेन कौन सा बन जाएगा बेंजिन के पास वाला स्टेबल ज्यादा होगा ठीक है तो प्रोडक्ट आपका होगा कौन सा आंसर थर्ड ध्यान रखना थर्ड आंसर आपका क्या होगा राइट होगा ठीक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इथाइलिन रिएक्ट विथ ब्रोमिन टू फॉर्म ठीक है कि एथिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं बेटा ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, हैं ये आपको ध्यान प्रेजेंस ऑफ किसके किसोर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ठीक की। की है।, है तो सीसीएल करवाते हो तो क्या होगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों पे कौन सा एडिशन होता है एंटी एडिशन होता है ध्यान रखना ठीक है तो बनता आपका सी एस टू सी एस टू सी एस टू बी आर बी आर सी एस टू सी एस टू बी आर ओके प्रोडक्ट आंसर नंबर थर्ड आंसर थर्ड क्या होगा राइट हो रिएक्शन है तो इसमें ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी कलराइज ब्रोमिन सोल्यूशन इन सीसीएल फोर निम्नलिखित में से कौन फोर में ब्रोमिन के विलियन का रंग नहीं बदलता है ठीक है अभी आपने रिएक्शन किसकी करवाई थी आपको याद हो एलकीन की किसकी करवाई थी Alkene की करवाई थी है ना? अभी आपने रिएक्शन किसकी करवाई थी बेटा अल्किन की ठीक है अल्किन की जब रंग है उसको उड़ा देती है ब्रोमिन को क्या कर देती है डीकलराइज कर देती है तो इसलिए अनसे होंगे जिनके पास पाइपोड है अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिनके पास है वो ब्रोमिन का रंग उड़ा देते हैं ओके अनसे कौन है एसेटेन आपका है ट्रिपल बॉन्ड आता है प्रोपिन आपका अनसेड है ट्रिपल बॉन्ड आता है प्रोपाइन आपका है है ना बट एथेन आपका इथेन नहीं है ये आपका कंपाउंड है और ये ब्रोमीन को लीगलाइज नहीं करेगा तो आंसर आपका क्या होगा इथेन ये ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा इथेन सीधा सा ऑप्शन दिया था इसमें ठीक है नेक्स्ट आ जाइए ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको दिया है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन सी एस थ्री सी सी एस डबल बोन सी एस टू एक तो किस पे दिया बेटा सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बोन्ड सी एस टू किसका करवाना है एच सी एल का आयनाइजेशन कराओ एच प्लस बनेगा और सी एल माइनस बनेगा राइट ठीक है मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करवाना आपको तो इस पे क्या बनेगा माइनस और ये क्या बनेगा प्लस तो सी एल का टेक कहाँ होगा बेटा सी पे और एच का टेक कहाँ होगा आपके सी एस टू पे बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एस थ्री सी सी यहाँ पे किसका टेक होगा सी एल का बॉन्ड यहाँ किसका टेक होगा सी एल ठीक है दूसरा दिया आपको एक तो आपका ये बना ये ध्यान रखना किसमें बन रहा है इसमें नहीं है इसमें है इसमें है, इस है एक तो ये हो गया दूसरा आपको रिएक्शन दिया मैंने कौन सी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ बेटा एस के साथ, साथ. वही पाई बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे ठीक है ट्रांसफर करोगे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ओके, क्या बनेगा बेटा सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एल राइट फिर दोबारा एडिशन रिएक्शन करवाओगे बनेगा क्या बनेगा जेम डाई हेलाइड तो दोनों ऑप्शन में आपके पास क्या क्या आ रहा है कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सेकेंड आपका राइट होगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एल और दूसरा क्या दिया सी एच थ्री सी एच सी तो दोनों ऑप्शन आपके कौन से नंबर ऑप्शन के हैं, वो आपका राइट हो तो आंसर क्या होगा आपका सेकेंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑप्टेन व्हेन एन ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रकाश की उपस्थिति में एन ब्यूटेन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाने पर एन ब्यूटेन की करवा रहा है तो एन ब्यूटेन क्या होता है बेटा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री और किसके साथ करवा रहा है किसकी सनलाइट के, किस के ब्यूटेन है ब्यूटेन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा प्रत्येक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा ठीक है, है सब्सटीशन रिएक्शन होगी सब्सटीटन रिएक्शन होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ठीक है तो यहां से क्या है हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ब्रोमीन का अटैक होगा अब ब्रोमीन कहां का अटैक कर सकता है तो आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे पॉसिबिलिटी है Hydrogen आपका एक तो कहां से जा सकता है ध्यान रखना ये तो एक तो बनता आपका क्या आपके, CS, तो तो आपके ब्रोमिन काटे यहां हो सकता है एक आपके ब्रोमिन काटे यहां हो सकता है बट इनमें मेजर कौन सा है मुख्य उत्पाद पूछा देखो आपसे क्या पूछा मैंने मुख्य उत्पाद पूछा है राइट

ये ध्यान मेन प्रोडक्ट पूछा है मैंने ये चीज ध्यान कर लेना तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस सी एस थ्री बी ठीक है चलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन ये कह रहा है जो होमोलोगस सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज जो होती है अलकेन की उसका हैव ऑल स्टेट ऑफ अल्केन ये कह रहा है सभी अल्केन सीधे होते हैं नहीं ये कोई जरूरी नहीं है बेटा बस उसमें डिफरेंस क्या होता है ये ध्यान रखना डिफरेंस होता है किसका का यही क्वेश्चन था ना कोई बात ठीक है तो सभी ये कह रहा है स्टेट चेन होती है नो नहीं ये गलत बात है इसका ठीक है स्टेट नहीं होती कोई तो ये तो क्या है कि दो जो मेंबर्स होते हैं ना दो मेंबर के बीच में सी एस टू का डिफरेंस होता है ध्यान रखना किसका डिफरेंस होता है सी एस टू का यानी मोलिकुलर वेट में चौदह का अब वो चाहे स्ट्रेट हो ठीक है या ब्रांच वाले हो जैसे ये भी हो सकता है सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री ठीक है ये भी तो हो सकता है सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री ठीक है और इसमें और इसमें डिफरेंस ये भी तो ये हो सकता है सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री मतलब दो मेंबर के बीच में आपके सी एस टू का डिफरेंस होता, और में का डिफरेंस होता तो ये बात गलत है डिफरेंसर है, हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये आपके ये स्टेटमेंट क्या है सही है एल्केनो का जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ठीक है सी एन एस टू एन प्लस टू ठीक है समान रासायनिक गुण वाले होते हैं यह भी बात सही है क्योंकि फक्सल ग्रुप क्या होता है सेम होता है क्रियात्मक समूह समान होते हैं तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे समान होंगे सो ए रेगुलर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुणों में नियमित परिवर्तन होते हैं यह बात भी क्या है सही है ठीक है भौतिक गुणों में भी क्या होंगे नियमित परिवर्तन होंगे ठीक है बट ये गलत है सभी अल सीधे होते हैं तो आपसे असत्य कथन पूछा है असत्य कथन आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये ध्यान रखना आंसर कौन सा होगा फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ए हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिगना रिएजेंट। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक है जो रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोकार्बन बनाएगा फर्स्ट कंपाउंड आपको दिया है ठीक है क्या दिया सी एस थ्री सी एस टू ओ एच मैंने कोई ग्रिगनार रिएजेंट लिया सी एस थ्री एम जी बी आर कोई भी लिया

हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन भी यही था निम्न में से कौन सा योगी ग्रीनार्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा हाइड्रोकार्बन बनाएगा आपका सही है। फिर भी चेक कर लेते हैं दिया है। और एडीहेड के साथ एल्कोल तो बनाता है क्या बनाता है एल्कोल बनाता है किटोन दिया है किटोन भी क्या बनाएगा एल्कोल बनाएगा ठीक है एस्टर दिया है एस्टर पहले किटोन में चेंज होगा फिर क्या बनाएगा एल्कोल बनाएगा तो ये तीनों चीज ये भी अल्कोहल बनाता है यह भी अल्कोहल बनाता है यह भी अल्कोहल बनाता है ठीक है बट हाइड्रोकार्बन कौन बनाएगा आपका फर्स्ट आंसर सी एस थ्री सी एस टू ओ एच राइट चले बेटा फिफ्टीन नंबर सी एस थ्री सी एच प्रोपिन की रिएक्शन दी है सीएल टू के साथ और इसने पूछा रिएक्शन दिखा रखी है देखो प्रोपिन की रिएक्शन करवा रहा है सीएल के साथ तो इसने एलिल पोजिशन पे सी का अटैक करवाया है कौन सी पोजिशन पे एलिल रिएक्शन देख के अगर पाई बॉन्ड टूटता ये ध्यान रखना पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो उसे अपन कहते हैं एडिशन रिएक्शन कौन सी कहते हैं एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया बट यहां क्या है यहां से H जा रहा है देखो इसका क्या जा रहा है यहां से H और किसका अटैक हो रहा है सीएल का ठीक है अब सी टू में आपके ध्यान दे रखा है ध्यान दे रखा है तो इसको जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में करोगे तो इसमें समान श्रीखंडन होगा समान श्रीखंडन होगा क्या बनेगा बेटा मुक्त तो मूलक ठीक है फिर बाद में आपके प्रोपिन से सी एस टू एच सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू ये भी किसमें यहां से एच टूटेगा है ना तो एच की बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो क्या बनेगा बेटा सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू ये भी क्या ओके okay? और फिर सीएल का इस पर अटैक होगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यही होगा तो रिएक्शन कौन सी हुई एच जा रहा है देखो यहां से एच जा रहा है किसका अटैक हो रहा है सीएल का तो ये हो गई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई सब्सटीट्यूशन में आपके पास दो ऑप्शन है एक इलेक्ट्रोफिलिक है और एक फ्री रेडिकल है में राइट अब आपसे कौन सी है? आपको रिएक्शन देगा इसमें कौन सा विखंडन हो रहा है होमोजेनस ठीक है होमोजेनस आपकी क्या हो रहा है क्लीवेज हो रहा है समान स्वीखंडन हो रहा है क्या बन रहे हैं मुक्त मूलक बन रहे हैं तो आपकी रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन आंसर क्या होगा थर्ड होगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ध्यान रखना कौन सी होगी बेटा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आंसर क्या होगा थर्ड आपका राइट चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपिल आयोडाइड इज सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन ठीक है द हाइड्रोकार्बन दैट विल नॉट बी फॉर्मड आपको क्या क्या दिया है इथाइल आयोडाइड सी एस थ्री सी एस टू आई प्लस फिर ये किसके लिए है एन प्रोपिल आयोडाइड टू एन ए के साथ रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन है एन प्रोपिल आयोडाइड तो एन प्रोपिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री राइट अब देखो ये डबल कार्बन की दो कार्बन की है और ये तीन कार्बन का कंपाउंड है ये दो कार्बन का कंपाउंड है तीन का तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है आपके कि मिक्सचर बनता है क्योंकि आपका ये भी फ्री रेडिकल बनता है ठीक है ये भी फ्री रेडिकल बनता है हाँ जी अब ये अपने रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है बेटा ये तो बन जाएगा सी टू सॉरी कितना हो गया सी टू नहीं सी फोर एस टेन डबल हो जाएगा ना ये तो बन जाएगा सी फोर टेन ओके ये बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा सी सिक्सटीन एच राइट और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे पेंटेन बनाएंगे बेटा सी फाइव और एस ट्वेल्व हो जाएगा इसकी इससे रिएक्शन होगी इसी के फ्री रेडिकल से तो क्या बनेगा सी फोर एस टेन बनेगा इसके इसके फ्री रेडिकल से रिएक्शन होगी ये बनेगा इन दोनों की रिएक्शन होगी इन दोनों से तो ये बन जाएगा ये ब्यूटेन हो गया ये पेंटेन हो गया ये हेगजेन हो गया तो ब्यूटेन बनेगी पेंटेन बनेगी और हेक्जेन बनेगी तो ब्यूटेन बनेगी ठीक है पेंटेन बनेगी ठीक है बनेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन नहीं बनेगी भैया इसने पूछा है हाइड्रोकार्बन दैट विल नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा आपका प्रोपेन नहीं बनेगा आंसर क्या होगा बेटा सेकेंड होगा राइट चले नेक्स्ट दिया है आपको बेंजिन दिया बेंजिन के साथ में आपको दिया है एन प्रोपिल क्लोराइड दिया है और ए एल सी थ्री की प्रेजेंस में दिया है रिएक्शन कौन सी है बेटा ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ध्यान रखना कौन सी है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसमें क्या होगा आपके कि पहले रिएक्शन होती है किसकी सी एस थ्री सी की और ए आपका किसका Behave करता है एसिड का तो लेविस एसिड के साथ आप जब सी एल की रिएक्शन तो 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 हाँ ना बट ये क्या है आपको पता है लेस स्टेबल है तो फिर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इसकी साइड जाएगा और ये स्टेबल कार्बोकटाइन बना लेगा और स्टेबल कार्बोक्टाइन कौन सा होता है टू डिग्री तो किस में चेंज हो जाएगा टू डिग्री कार्बोकेट्राइन पे ध्यान रखना सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री और अब इसका अटेक होगा किसपे बेटा आपको दिया गया बेंजिन तो बेंजिन पे अटेक होगा ओके बेंजिन पे यहां से आप किसको रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्शन होगी सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री के साथ रिएक्शन होगी ठीक है तो ये नेगेटिव पॉइंट आपका अटैक होगा किसका ये लीजिए ठीक है का यानी कार्बन नेगेटिव कर... पे कार्बोट्राइन पे अटेक करेगा क्या बन जाएगा बेटा सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री आईसो प्रोपिल बेंजिन बनेगी बेटा क्या बनेगी आईसो प्रोपिल बेंजिन बोलो कहा सेकेंड में आंसर आपका क्या होगा सेकेंड होगा ध्यान रखना ठीक है यानी वन डिग्री कार्बोकटाइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें टू डिग्री कार्बोकटाइन में राइट नेक्स्ट चलें नेक्स्ट दिया आपको कि कौन सी विधि द्वारा प्रोपिन से प्रोपेन प्राप्त किया जा सकता है प्रोपेन इज ऑप्टेन फ्रॉम प्रोपीन बाय विच मेथड आपको क्या दिया है दिया है ठीक है क्या बनाना है प्रोपेन बनाना है सीधा सा क्वेश्चन है क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ध्यान रखना क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है यह कह रहा है कौन सी विधि द्वारा फर्स्ट उत्प्रेर किया निकल पैलेडियम की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो और हीट करवाते हो ठीक है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन का बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा क्या बना लेगा CS3, CS2, CS3. क्या बोलते हैं किसकी प्रेजेंस में हो रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हो रहा है क्या हो रहा है हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया को नाम क्या देंगे उत्प्रेयर के हाइड्रोजनीकरण ठीक है तो आपका कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन होगा ध्यान रखना सेकेंड वुड्स वुड्स में तो सोडियम से रिएक्शन होती है वुड्स में तो किससे रिएक्शन होती है सोडियम से और फिर प्रोटीन की नहीं वो तो किसकी होती है एल्किल हेलाइड की होती है तो ये नहीं होगा डीहाइड्रोजिनेशन एल्किन का डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे एल्काइन बनेगी तो ये भी नहीं होगा ठीक है फ्रेगलेंड रिएक्शन तो फ्रेगलेंड रिएक्शन से भी आपके क्या है ये नहीं बनेगा ओके okay? उसमें जिंक काम आता है तो ये भी नहीं होगा राइट right? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा एल्कोलिक सोल्यूशन ऑफ केवच इज यूज फॉर ये कह रहा कि सोलुण, सोलुण है कि अल्कोहलिक सोल्यूशन दो सोल्यूशन होते हैं बेटा केवच को अगर पानी के अंदर डिजोल्व करोगे केवच को आप किसके अंदर डिजोल्व करोगे अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करोगे ठीक है तो ये तो आपके देता है कौन सी रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिकब्टीट्यूशन रिएक्शन देता है ठीक है ये आपके कौन सी रिएक्शन देता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है या आपके कौन सी देता है न्यूक्लियोफिलिक तो अल्फा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो कार्बन से तो क्या जाता है बेटा सीएल और बीटा कार्बन से यहां से क्या जाएगा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ठीक है क्या बनता है इसमें एल्किन बनती है सी एस टू डबल वन सी एस टू प्लस एच सी एल एक एग्जाम्पल लिया मैंने अब मुझे एक बात समझो यहां क्या जा रहा है आपका हाइड्रोजन और यहां से क्या निकल रहा आपका? तो है आपका सीएल तो हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है और सीएल भी बाहर निकलता है तो इसे अपन क्या कहेंगे हाइड्रो नहीं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रो डी हाइड्रोहेलोजनेशन हिंदी में बोलते हैं आपकी क्या वी हाइड्रो हेलोजनी क्या बोलते हैं वी हाइड्रो तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा थर्ड राइट right होगा ठीक है थर्ड आंसर आपका राइट right होगा ये ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन देता है अच्छा क्वेश्चन पूछा था द मोस्ट स्ट्रेन्ड साइक्लो एल्केन इज ये कह रहा है कि सबसे तनाव युक्त साइक्लो एल्केन होगी आपने बेयर का विकृतिवाद बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी होगी कौन सी पढ़ी है बेयर स्ट्रेन थ्योरी उसमें वो कहता है कि रिंग जितनी छोटी होगी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा बंद कोण विकृति उतनी ज्यादा होती है रिंग जितनी छोटी होगी ये ध्यान रखना कोण विकृति उतनी ज्यादा होती है जैसे जैसे रिंग बढ़ती है कार्बन संख्या बढ़ते हैं है कोण विकृति बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ भी क्या होता है कम होता है तो इसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ आपने पढ़ा होगा साइक्लोप्रोपेन का कितना होता है बेटा चौबीस डिग्री चौवालीस मिनट की ठीक है फिर इसका कम हो जाता है साइक्लोपिटेन का साइक्लोपेंटेन का होता है जीरो डिग्री चौवन मिनट ठीक है फिर साइक्लो एक्सन के आगे बेर आपका फेल हो जाता है फिर आता है इसमें सासे और मोर कंसेप्ट थ्योरी आती है

मार्स गैस तो ना तो आपका एस्टलीन होगा ना आपका एस2एस होगा ना आपका सीओ कौन सा होगा आपका CH4 देखने की आवश्यकता नहीं हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपके यही आता है नोमेनक्लेचर करवाते हैं ना ट्राइवल में सबसे पहले आता है कौन फोर मार्स केस होता है कहां से मिलता है बने को मार्सी एरिया से दलदली भूमि से मिलता है राइट नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है सिल्वर एसिटिलाइड एसिटिलाइड सिल्वर एसिटिलाइड का फॉर्मूला तो बेटा ये होता है सिल्वर दिया है तो सिल्वर ले लीजिए इसने कहा एच सी एल के साथ रिएक्शन करता है एच सी एल के साथ गर्म करने पर ठीक है गर्म कर रहा है एच सी एल के साथ तो एच जी के साथ क्या जाएगा बेटा सीएल ठीक है दूसरे एच के साथ दो सीएल चले जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन का अटैक कहाँ हो जाएगा इस पर क्या बन जाएगा एच सी ट्रिपल Bond सी एच प्लस टू एच सी एच बताओ कितना एजी सा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रखना ठीक है तो आपका क्या बना बनाया ध्यान रखना आंसर कौन सा होगा फर्स्ट नेक्स्ट चले ठीक है प्रोपेन वन ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन बाय इट्स रिएक्शन विथ ये कह रहा है प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल ठीक है प्रोपिन एक तो आपको ध्यान रही है और एंटी ऑफ अपन यहाँ डायल्यूट एस टू काम में लेते हैं एक आपको दे रखा है यहाँ पे बी टू एस सिक्स याद है डायलू टू में क्या होता है बेटा आपके ये लीजिए माइनस प्लस ओके क्या बनता आपका सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री टू ओल बनता ध्यान टू ओल. है ध्यान रखना टू ओल रिएक्शन किसके हिसाब से होती है मार्कोनिक बट डाइबोरेन की रिएक्शन किसके हिसाब से होती है बेटा ध्यान रखना किसके हिसाब से होती है एंटी मार्कोनिक हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा ओएच का अटैक तो कहा होगा आपके यहाँ ये यह दीजिए क्या बना प्रोपेन वन ऑल बन गया क्या बना बेटा प्रोपेन

हाइड्रोबोरेशन नहीं है क्या ये हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन ठीक है नेक्स्ट आ जाइए टू मेथिल ब्यूटेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या देता है ये पूछा टू मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस टू मिथाइल ब्यूटेन ठीक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसने वापिस एक चीज पूछा है मुख्यतः कौन सा बनेगा मुख्यतः देखना है क्योंकि ब्रोमिन के साथ तो अटैक कहां होगा यहाँ भी अटैक होगा ब्रोहिन के साथ यहाँ भी अटैक होगा ब्रोमिन के साथ यहां भी अटैक होगा ब्रोमिन के साथ यहाँ भी अटैक होगा ब्रोमिन के साथ चारों जगह होंगे ये आपका वन डिग्री है ये आपका टू डिग्री है ये आपका वन डिग्री है ये आपका थ्री डिग्री है तो स्टेबल कौन सा होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर बताया था आपको थ्री डिग्री स्टेबल होता है टू डिग्री से कंपेयर टू वन डिग्री तो मुख्य तो कौन सा बनेगा आपका ये वाला बनेगा तो प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा, आएगा आपका सी एस थ्री सी यहाँ बी आर का टेक हो जाएगा शबा सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री राइट यही होगा ना ठीक है अब नाम क्या है इसका देख लीजिए ये आपकी चेन हो गई तो टू पे ब्रोमो हो गया टू पे मिथाइल हो गया तो टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन हो गया टू ब्रोमो टू मिथाइल ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट होगा क्या बनेगा बेटा टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन बनेगा ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलकेनो का दिया देखो ठीक है कोथनांग का घटता क्रम मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको इसमें एक चीज देखी भी पेंटेन दे रखा है यहां भी पेंटेन दे रखा है यहां भी पेंटेन दे रखा है इसका मतलब मोलिकुलर वेट क्या है सेम एक चीज ध्यान रखना अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं बट यहां तो मोलिकुलर वेट सेम है कि इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी सब में सेम है और जब मोलिकुलर वेट सेम हो तो अपने को बाद में ब्रांच और नॉन ब्रांच वाला देखना है ठीक है और मैंने कहा था कि ब्रांचेड नॉन ब्रांच साखित का ज्यादा होता है किससे साखित से जितनी ज्यादा शाखा होगी उतना ही कम हो जाएगा क्या बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है कम हो जाता है यहां कौन सा है आपको क्या दिया है एन पेंटेन। तो एन पेंटेन पहले वाला ही चेक कर लेते हैं नॉन ब्रांच हो गया तो एन पेंटेन यह वाला दीजिए फिर दूसरा कौन सा दिया आईसो तो आईसो ले लेते हैं फिर तीसरा कौन सा यह आपको नियो पेंटेन तो नियो पेंटेन ले लेते हैं ठीक है अब इसका सरफेस एरिया ये हो गया इसका सरफेस एरिया ये है ब्रांचे कभी भी, भी सरफे उसमें नहीं आती चैन में नहीं आती ये ध्यान रखना ठीक है वो तो क्या चैन से बाहर जाती है तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका हो गया इसका इसका सरफेस एरिया कम ये लीजिए तो ऑर्डर आपका ऐसा ही है बिल्कुल सबसे ज्यादा किसका होगा एन पेंटेन का फिर किसका होगा आइसो पेंटेन का फिर किसका होगा नियो पेंटेन राइट फर्स्ट आपका सही होगा बाकी आपके गलत है आइसो का ज्यादा नहीं होगा नियो का ज्यादा नहीं होगा और आइसो से ज्यादा नियो का नहीं होगा ठीक है बेटा बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट चले क्वेश्चन हाँ अपना है आपको दे रखा मैच लिस्ट लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ अपने को क्या करना है मैच करना है इसमें आपको दे रखा है

ये बी एच सी आपका जो बी है ये अपने को मिलता है एडिशन बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं अपन के साथ तो एडिशन रिएक्शन से मिलता है और पोलियन जो काम में लिया जाता है वो अपने काम आता है बेटा किसमें इलेक्ट्रोड में तो फर्स्ट का किसमें बेटा फोर्थ में नो फर्स्ट का किसमें थर्ड में बेटा एलिमिनेशन है तो फर्स्ट का थर्ड में दो ऑप्शन आ रहे हैं फिर बी आपका सेकंड में फोर्थ में बी आपका फोर्थ में क्या आ रहा है सी आपका थर्ड में नहीं है सी आपका सेकंड में सेकंड में आ रहा है और डी आपका फर्स्ट में आ रहा है ये ऑप्शन आपका राइट होगा सेकंड ऑप्शन राइट होगा बेटा? सेकंड वाला ऑप्शन क्या राइट होगा? होगा। राइट ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देगी रासायनिक अभिक्रिया में ए को पहचानी है ए को पहचाना है आपको ध्यान है कि आपने मोलिब्डेनम और

पहले आपके साइकलाइजेशन होता है फिर उसका क्या होता है एरोमेटाइजेशन होता है एरो आपको सीएस थ्री देखा सेकेंड नंबर कार्बन पे आपको क्या दे देखा है तो ये कार्बन इसके साथ रेज होगा जी बिल्कुल यहाँ आपको सीएस थ्री दे रखा है तो ये यह दीजिए यहाँ पे क्या जाएगा सीएस थ्री क्या बन गया टोलोइन बन गई ध्यान रखना क्या बनता है टोलोइन मेथिल वेंजिन बनेगी बोलो कौन सा हुआ ये नहीं इसमें एरोमेटाइजेशन नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है आपका कौन सा आंसर होगा बेटा फोर्थ ठीक है टोलोइन बनेगी ध्यान रखना मेथिल वेंजिन आपके मुख्य मेजर प्रोडक्ट होगा नेक्स्ट देख रहा है निम्नलिखित के साथ व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय एच ओन रिएक्शन विथ यानी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया पर एच द्वारा निर्मित मुख्य उत्पाद है ये ध्यान रखना किसके साथ इसके साथ देगा ठीक है तो वही बॉन्ड ट्रांसफर करो बेटा बॉन्ड ट्रांसफर करोगे इसके पास जाएगा क्या बना सी ओके सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी हो जाएगा एच आई के साथ ही तो है इस पे क्या होगा कार्बोकोट बट ये टू डिग्री कार्बोटैन बना है कौन सा कार्बोकोटैन बना है टू तो डिग्री अगर अपन मिथाइल की शिफ्टिंग करवा दें इस पे तो आपका जो कार्बोटैन बनेगा वो क्या बनेगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री इस पे क्या बन जाएगा बेटा सी एस थ्री यहाँ किसका टेक हो जाएगा प्लस का और अब इस पे किसका टेक होगा आई माइनस का तो आई माइनस का टेक करवा तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा ओके okay. सी पे किसका अटैक होगा थ्री डिग्री कार्बोटाइन पे आई का अटैक होगा और सी एच पे सी थ्री का और यहां एच का तो ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा राइट होगा ध्यान फोर्थ 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 ठीक है फोर्थ ऑप्शन आपका एक्यूरेट है ठीक है पीछे वाला हो गया ना ठीक है इसने कहा है द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ एच ओ सीएल प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट ये कह रहा है कि प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हैं रुको बेटा एक मिनट ओके okay, प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ करवाते हैं बेटा ठीक है तो सी में ध्यान रखना सीएल होता है बेटा ऑक्सीजन नेगेटिव होता है मोर नेगेटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन यहाँ पे ऑक्सीजन है बॉन्ड ट्रांसफर कराओगे ये माइनस बनेगा ये क्या बनेगा प्लस तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कौन सी है बेटा इलेक्ट्रोफिल तो पहले इलेक्ट्रोफाइल काटेगोगे कि किस पे सी एस टू पे बोलो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एच सी एस टू और सी एल तो ये आपका बनेगा का कार्बोक्टेन ठीक है।, है फिर किसका अटेक होता है ओवच नेगेटिव का बट आपसे तो इंटरमीडिएट पूछा है ना तो रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कौन सा बनता है ये वाला बनता है और ये देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन फोर्थ सरकार सी एस थ्री सी एच सी एस टू सी एल सी एस थ्री सी एच सी और कार्बन पे क्या है क्योंकि पॉजिटिव का अटैक होगा कार्बन नेगेटिव पे फिर नेगेटिव होता है किस पे कार्बन पॉजिटिव पे राइट right? तो आपका फोर्थ आंसर क्या होगा बेटा सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्या फाइव किटो टू मिथाइल फाइव किटो ये तो फाइव नंबर पे फिर ये फोर नंबर पे फिर ये थ्री नंबर पे फिर ये टू नंबर पे और फिर ये ये, 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 ये दिया आपको

ये वाला ये कार्बन सी ये आपके क्या जाएगा डबल बॉन्ड ओ फिर एक दो सी एस टू तो सी एस टू सी एस टू राइट ये क्या है सी एच और इस पे क्या है सी एस थ्री और ये कार्बन क्या हुआ आपका सी एच और सी एच पे डबल बॉन्ड ओ यही बनेगा देख लीजिए ये और ये सेम है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जी ठीक है यहां करवाओगे तो इस पे ऑक्सीजन आ रहा है इस पे ऑक्सीजन आ रहा है तो तो one, two, two तो बन बन रहा रहा है पे हो है 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 पे 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 ठीक ऑक्सीजन आ आ गया इसमें क्या जाएगा इधर से मिथाइल और यहां से कराओगे तो वन टू थ्री फोर यहाँ फोर पे मिथाइल आ रहा है यहाँ थ्री पे मिथाइल आ रहा है समझ रहे मेरी बात को जबकि अपने को मिथाइल कितने पे चाहिए टू पे मिथाइल चाहिए ओके और टू पे मिथाइल किससे आएगा फर्स्ट से आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा सही होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गिव्स ट्रांस टू हेक्जिन ऑन ट्रीटमेंट विथ ये कह रहा है टू हेक्जाइन किसके साथ उपचारित करने पर विपक्ष टू हेक्जिन देता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपके टू हेक्जाइन की बात कर रहा है टू हेक्जाइन आपका ये होता है सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू ठीक है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच नो ये तो वन एग्जाइन हो गया ठीक है वन हेग्जाइन हुआ बेटा ये होता है टू हेक्गजाइन कौन सा होता है बेटा टू हेगैन फिर ये रिएक्शन करवा रहा है तो आपको ध्यान है इसकी दो रिएक्शन है के साथ कराते हो लिंडलार कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन के एक आपकी होती है ठीक है तो इससे करवाते हो तो आपके सिस बनेगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री एच इससे करवाते हो तो आपके ट्रांस एडिशन होता है सी एस थ्री

पेलेडियम बी एस ऑफर आपके कौन सा बनाता है सिस और ये आपका कौन सा बनाता है ट्रास राइट right? चले हो गया नेक्स्ट दिया ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन एल्केन विथ क्लोरीन एंड इेडिएटिंग इट विथ यूवी लाइट इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो एल्केन दिस एल्केन कुड बी ये कह रहा है कि कि एक कोई एल्केन है और उसके अपन क्लोरीन के साथ मिलाकर यूवी प्रकाश में विकर्णित करने पर केवल एक मोनोक्लोरिन एल्केन देता है पेंटेन दिया है पेंटेन सारी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ऑप्शन पेंटेन दिया है सेकेंड ऑप्शन क्या दिया आइसो पेंटेन दिया थर्ड ऑप्शन नियो पेंटेन दिया और लास्ट आपका प्रोपेन दिया है ठीक है अगर इस पर अपन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएं तो यहां टेक करेगा यहां टेक करेगा यहां टेक करेगा कितनी जगह टेक करेगा तीन जगह तो कितने बेटा तीन आईसमर बात करें अगर स्टीरियो को छोड़ दे तो यहां बात करें तो यहां टेक करेगा यहां टेक करेगा यहां टेक करेगा और यहां टेक करेगा कितने आईसमर बनेंगे बेटा चार चार जगह क्लोरीन का टेक होगा तो चार ठीक है क्योंकि चारों हाइड्रोजन डिफरेंट है अगर नियो की बात करें तो यहां एक जगह टेक करेगा क्यों क्योंकि ये चारों कार्बन सेम है तो इनके हाइड्रोजन भी क्या हो गए सेम है ये भी वन डिग्री है ये भी वन डिग्री हाइड्रोजन ये भी वन डिग्री हाइड्रोजन ये भी वन डिग्री तो यहां केवल आपके एक जगह टेक करवा दो सेम बनेगा आपसे चारों जगह करवा दो पर प्रोडक्ट एक ही बनेगा ठीक है और इसमें अगर टेक करवाएं तो एक जगह ये बनेगा एक तो इसमें टोटल कितने बनते हैं दो इसमें कितने बनता है एक इसमें इस कितने बनते हैं चार इसमें कितने जगह टिक होता है तीन और आपसे पूछा गया है केवल एक ठीक है तो किसमें बनेगा नियोपेंटिन आंसर क्या होगा बेटा नियोपेंटिन ठीक है चले नेक्स्ट थर्टी थ्री दिया एसिटिलीन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरस के साथ करवानी है एसिटिलीन दिया आपका ये होता है आपका ये होता है, ठीक है किसी पे सीएल का टेक करो कोई दिक्कत नहीं है वो तो प्लस माइनस आप बनाओगे तो एक पे ओ एच काटेक हो जाएगा ठीक है और एक पे सीएल का टेक हो जाएगा राइट फिर एडिशन रिएक्शन दोबारा होगी किसके साथ एच ओसीएल के साथ फिर अटैक करवाओगे तो जहां सीएल का टेक हुआ वहां सीएल का अटैक हो जाएगा राइट तो ये बन जाएगा सीएल टू सी एच सिंगल बोन और इस पे किसका टेक हो जाएगा बेटा ओ OH एच का और एक ही कार्बन पे दो ओच क्या होते हैं अनस्टेबल क्या निकल जाएगा इसमें से एस टू ओ एस टू ओ तो बेटा बोलो क्या बनेगा सी टू सी एच सी एच ओ जी ठीक है ऑप्शन ढूंढो ये बनेगा सीएल टू सी एच ठीक है सीएचओ ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट right होगा फिर दिया है इन द द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द कंपाउंड बी अभिक्रिया के निम्नलिखित क्रम में अल्किन यौगिक बी को बनाता है ठीक है फर्स्ट आपको क्या दिया ध्यान रखना आपको टू ब्यूटीन दी है टू ब्यूटीन दी है और उसकी ओजोन से रिएक्शन है तो ओजोनाइड बनेगा आया ना ओजोनाइट बनेगा तो क्या बन जाएगा बेटा आपका सी एस थ्री दोनों बोन्ड आपके ब्रेक होंगे ध्यान रखना ये बनेगा राइट फिर आपकी रिएक्शन दी है किसके एच टू ओ और जिंक की रिएक्शन दी है एच टू और जिंक की रिएक्शन करोगे ये दीजिए दोनों मोल क्या बने ये भी क्या बना सी एस थ्री सी एच ओ ये भी क्या बनेगा सी एस थ्री तो दो मोल आपके बनते हैं बेटा किसके सी एस के बनेंगे दो मोल किसके बनेंगे एसिड प्रोपेन एडिहाइड नहीं बनेगा कीटोन नहीं बनेगा एस्टर नहीं बनेगा सॉरी कीटोन नहीं बनेगा और ये बनेगा एसिड सी एस थ्री बनेगा तो यौगिक बी जो हो होगा वो आपका कौन सा होगा सी एस थ्री होगा ठीक है हो बेटा नेक्स्ट चले फिर दिया है विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ए इज इजीली रिप्रेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमिन से बिगरा थोड़ी देर पहले आई थी आपको यह दिया थोड़ी देर पहले यह था आपके पास सी एस थ्री सी एच डबल वन सी एस टू प्लस अब टू कुछ देर पहले जगह बी आर टू है तो हो तो एडिशन रिएक्शन ना हो गया और उस वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है तो यहां से क्या जाता है बेटा एच और एच की जगह किसका था आपने बी आर या सी एल का ठीक है तो ध्यान रखना ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया ये कौन सा हो गया गामा रिएक्शन होगी यहाँ ना होगी और, तो और किसका हो बी आर का आया ना तो कौन सा हाइड्रोजन इजी रिप्लेस होता है बोलो क्योंकि आपका यही हाइड्रोजन क्या करता है रेजनेस कर लेता है ना भाई आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे और हाइड्रोजन निकालोगे तो कार्बन क्या बनेगा माइनस रेजोनेंस करके क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा बोलो सही है ना ठीक है तो कौन सा हाइड्रोजन अपन इजीली रिप्लेस कर सकते हैं गामा हाइड्रोजन इजीवे रिप्लेस है? कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ओके okay. फिर दिया आपको द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आपको ये दिया है बेंजीन पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच वी और एच बी आर के साथ रिएक्शन करवानी है ओके okay. और एच के साथ रिएक्शन करवानी है तो आप बॉन्ड ट्रांसफर करोगे के दर ट्र। राइट यही बनेगा क्या बनेगा सीएच इस पे एच काटेक हो जाएगा और ये सी एच थ्री और इस पे बी आर का टेक हो जाएगा ढूंढो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है बेटा पे किसका बेंजिन से जुड़ने वाले सीएचपे किसका टेक होगा कार्बोडाइन बनेगा आपका बेंजिन से जुड़ने वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज़ भी हो जाएगा ठीक है तो पे किसका टेक होगा बी आर का ओके यहाँ बी आर का और यहां एच का टेक होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा यह गलत है यह भी गलत है और यह भी क्या है गलत है ओके आ जाइए फिर दिया है

ये तो कौन सा हो गया मार्कोनिक ऑफ ध्यान रखना कौन सा हो गया मार्कोनिक ऑफ और जहां अगर सी एस टू पे हो जाए हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो वो क्या होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ अब इसमें इसमें देखें तो आपके आपको पता है लोन पेयर होता है होगा बॉन्ड ट्रांसफर होगा इधर तो ये बॉन्ड इधर राइट और अगर इसके हिसाब से कराओगे तो ये नहीं होगा आपका कौन सा होगा मार्कोनिक ऑफ होगा ध्यान रखना इसमें इसमें बात करें तो वही सयोगन होगा लोन पेयर इसको दोगे ये बॉन्ड इधर जाएगा ये माइनस और ये प्लस तो ये भी कौन सा हो गया मार्कोनिक हो गया इस पे क्या होता है लोन पेयर होता है ये बॉन्ड इधर जाएगा ये इसके साथ जाएगा तो ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा ये भी कौन सा हो गया मार्कोनिकाफ हो गया बट इसमें देखो तीन फ्लोरिन जुड़े हुए हैं और फ्लोरिन क्या करेगा बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर ठीक है माइनस आई इफेक्ट हो गया ना यहाँ तो सब आपके कौन से प्लस एम वाले हो गए ठीक है ये कौन सा हो गया माइनस आई वाला हो गया और माइनस वाई वाला क्या करेगा बॉन्ड इधर लेगा तो बॉन्ड इधर लेगा तो ये बॉन्ड इधर आएंगे ठीक है तो ये तो क्या बनेगा माइनस और ये क्या बनेगा प्लस और प्लस है ना एस से करवानी है तो यहां ये सीएल लेना ले बेटा तो यहां किसका टेक हुआ सीएल का जबकि सीएल का टेक होना कहा चाहिए मार्कोनी काफ के अनुसार सीएल का टेक वहां होना चाहिए जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो बट यहां देखें तो सीएल का अटेक वहां हो रहा है जहां पे क्या है ये देखिए हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है ओके okay, तो कौन सा रूल हो गया एंटीमार्को निकॉफ हो गया ना तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा राइट होगा किसकी वजह से सी एफ थ्री के माइनस आई प्रभाव की वजह से ठीक है ओके okay. पे कौन सा चार्ज जा आ जाएगा प्लस और अटैक किसका हो जाएगा सी एल नेगेटिव का चले आगे नेक्स्ट दिया आपको साइक्लोहेक्जिन के ब्रोमिनीकरण में नीचे दी गई स्थिति के तहत सही उत्पाद है अभी तो थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया कि आपको ब्रोमिन दे रखा है और साथ में क्या दे रखी है सनलाइट दे रखी है इधर आ जाइए ठीक है तो आपके डबल बोन का ये दोनों पोजिशन कौन सी होती है बेटा हो गई ना और इसके पास वाली एलिल इल पोजिशन पे क्या होता है अटैक होता है कौन सी पोजिशन पे अटैक होगा एलिल पे एलिल ये दो पोजिशन है इनमें कहीं भी देख लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी इन दोनों में एडिशन रिएक्शन दे रखी है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये एच रिमूव होगा और बी आर का अटैक होगा एच रिमूव होकर बीहार का टेक होगा कौन सा बनेगा सेकेंड ये ऑप्शन नहीं होगा ठीक है तो बीहार का टेक कहा होगा एल एल पे तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा राइट नेक्स्ट फिर दिया है द रिएक्शन ऑफ टोलोइन टोलोइन आपका ये विथ सीएल टू विथ सीएल टू इन प्रेजेंस ऑफ एफ सी एल थ्री

तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा एक तो ऑर्थो बनेगा प्लस एक पैरा बनेगा मुख्य उत्पाद क्या है? और पैरा आंसर क्या होगा थर्ड राइट होगा आंसर थर्ड राइट होगा ठीक है नेक्स्ट चले नेक्स्ट दिया है कि द कंपाउंड फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजिन बाय के आपके इथाइल बेंजिन का या आपकी इथाइल बेंजिन है बेटा इथाइल बेंजिन का के के साथ रिडक्शन दे रखा है सॉरी के के साथ ऑक्सीडेशन दे रखा है ऑक्सीगन है ना के के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीगन दे रखा है ऑक्सीडेशन दे रखा है अब आपको ध्यान है अगर यहाँ पे सी होता तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो भी क्या बनता, बनता है ध्यान रखना और चाहे चैन कितनी भी लंबी हो बेंजिन से जुड़ने वाले कार्बन का ही ऑक्सीडेशन होता है ठीक है और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा बेटा बेंजिन और इस पे क्या जाएगा सी डबल एच वो ही एसिड बनेगा बाकी बाकी सर आपके सीओ टू और एस टू के फॉर्म में निकलते हैं कार्बन बचावा सीओ टू बनाता है एच एस टू बनाता है उन दोनों का भी ऑक्सीडेशन होता है बट मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा कि बेंजिन से जुड़ने वाले ही कार्बन का आपके यहां क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है ठीक है तो बेंजोइक अम्ल बनेगा ऑप्शन थर्ड राइट होगा ऑप्शन थर्ड राइट बेंजोइक अम्ल नेक्स्ट क्वेश्चन सी एस थ्री एम जी सिक्स दिया है MgX दिया है और इसकी रिएक्शन प्रोपाइन के साथ करवाइए बेटा ठीक है तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी एच पॉजिटिव और सी नेगेटिव राइट यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी Mg पॉजिटिव और सी नेगेटिव तो सी एच थ्री किसके साथ एड होगा एच के साथ बोलो बेटा क्या बनेगा सी एच फोर बनेगा सर प्लस सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी एक्स बन जाएगा नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा फोर्थ राइट right हो जाएगा भैया तो देता. देता? देता. बट आपको दिया एस थ्री तो दिया ना और सी एस थ्री के साथ इसका क्या? का कौन से रखना तो अल्काइनो के साथ एच जाएगा ठीक है तो एच रिमूव होगा एच किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा सी एच थ्री के साथ सी एच फोर बनेगा राइट नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजेंस टुवर्ड्स हेलोजनेशन ऑफ एल्केन ये कह रहा है कि एल्केन के साथ अगर हेलोजन की रिएक्शन करवाएं

ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होगा, ठीक है हेलोजनेशन रिएक्शन दी दिए आपको हेलोजनेशन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है इफेक्ट किसका होता है F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का, नेक्स्ट है कि आयोडो एथेन सूक्ष्म इथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कर देता है आयोडो एथेन दिया है वही वो वुड रिएक्शन दी दिए बेटा ठीक है टू एन एन आई निकल जाएगा बोलो क्या बना ठीक है क्या बन जाएगा बेटा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री ब्यूटेन बनेगी बेटा एन ब्यूटेन सोडियम के साथ अभिक्रिया कर देता है उत्पाद है जो बनाता है अभिक्रिया करता है किसके साथ सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन है ब्यूटेन बनाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड राइट right होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा कम किसका होगा देख लेते हैं वन ब्यूटीन दिया है एक आपको वन ब्यूटाइन दिया है एक आपको आइसो ब्यूटेन दिया है ये तो ब्रांच वाला हो गया ब्रांच वाले का कम होता है बेटा एक आपको अच्छा वन ब्यूटीन दिया वन ब्यूटीन दिया है एन ब्यूटेन दिया है ये तो ये हो गया आइसो वाला ये हो गया वन ब्यूटाइन ये हो गया एन ब्यूटेन ये हो गया ठीक है अब देखो ये भी आपके स्टेट चेंज कंपाउंड है ये भी आपके स्टेट चेंज कंपाउंड है ये भी आपके स्टेट चेंज कंपाउंड है, है बट ये ब्रांच है और मैंने साफ कहा था क्या कहा था कि ब्रांचेज जो कंपाउंड होते हैं उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स वगैरह भी का या अणुओं के बीच का जो होता है वो कम हो जाता है ठीक है और बोन क्या हो जाते हैं वीक हो जाते हैं इस कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो आंसर क्या होगा आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन राइट चले नेक्स्ट आ जाओ कम पूछा ना उसमें कम आइसोब्यूटेन ब्यूटेन का होगा ठीक है न्यूनतम पूछा आपसे फिर दिया आपको क्रमागत एल्केन के द्वारा भिन्न होता है सक्सेसिव एल्केन डिफर बाई किसके द्वारा सक्सेसिव एल्केन स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था सी एच टू के द्वारा डिफर होता है मोलिकुलर वेट फोर्टीन करो मैंने पेपर सोल्व करवा रहा था स्टार्टिंग में तब का वहां क्वेश्चन आया था कौन सा पूछा था ना आपसे रॉन्ग और इनके वो इनकरेक्ट और करेक्ट वाला क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका था ठीक है कि स्ट्रेट कंपाउंड होते हैं कोई जरूरी नहीं होता वहां तो दो कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है सी एस टू का होता है सी एच का नहीं होता सी टू एच फोर का नहीं होता और सी एस थ्री का नहीं होता ठीक है तो दो सक्सेसिव जो भी अल्केन होती है सक्सेसिव कंपाउंड जो होते हैं क्रमागत कंपाउंड जो होते हैं ठीक है उनके बीच में सी एस टू का डिफरेंस होता है किसका डिफरेंस होता है सी एस टू का मोलिकुलर वेट फोर्टीन का डिफरेंस होता है ठीक है तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा सी एस टू ये ध्यान रखना ओके ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए अब आता है बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में दिया द अबू केमिकल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट पी इज़ ये कह रहा है कि टू के साथ अपन ब्यूटीन की रिएक्शन करवा रहे हैं सीसीएल फोर की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा इसका जो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपके बनेगा सी एस थ्री सी ठीक है एंटी एडिशन होता है बी आर का ध्यान रखना क्या हो गया एंटी एडिशन और एंटी एडिशन होगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा एक इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी एक डी बन जाएगा और एक साथ में इसका मिरर इमेज ओके तो एक डी बनेगा और एक एल बनेगा तो कितने बनेंगे टोटल दो प्रोडक्ट बनेंगे ध्यान रखना नंबर ऑफ प्रोडक्ट कुल संख्या संभव है कितने की बेटा दो की आपसे ये तो पूछा है एंटी एडिशन होगा तो अब इसका मिरर इमेज बना दो ना एच बी आर ठीक है फिर ये बी आर और ये इधर क्या आएगा एच और ये सी एस तो एक डी होगा और एक क्या होगा एल दो मिरर इमेज एक खुद कंपाउंड हो जाएगा और एक उसकी मिरर इमेज हो जाएगी टोटल कितने बनेंगे दो बनेंगे एंटी एडिशन होता है इसमें तो कुल संख्या कितनी होगी संभावित समय संभा, आपके पूछे तो आंसर होगा आपका दो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ठीक है सी इन वन प्लेन इज ये कह रहा है कि अणु सी है वो आपका वन प्लेन में होना चाहिए और जब प्लेन में है तो ए की तल में मैक्सिमम अणुओं की संख्या कितनी होगी इसने फिर दिया ए इज लोवेस्ट मोलिकुलर वेट एल्काइन ये दिया ना एल्काइन दिया ना बेटा और एल्काइन दिया है तो ध्यान रखना ये आपकी लोवेस्ट तो ये होती है सीएच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसके तीन वॉलीबिल काम आते हैं रेड हॉट ट्यूब में जाता है बनती है आपको खुद को ध्यान हो, क्या बनती है बेटा बेंजिन फिर बाद में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिया है सी एस थ्री सी एल दिया है ए एल सी एस थ्री की प्रेजेंस में बोलो टोलोइन बन जाएगी क्या बनेगी टोलोइन अब मेरी एक बात सुनो जिन है बंजिन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है एसपी टू बट इसका क्या है एसपी थ्री एस पी थ्री ये है एसपी थ्री दिख रहा हो तो ठीक है तो इनका तो एस पी टू है और इसमें कौन आ गए छह तो कार्बन आ गए ठीक है पांच हाइड्रोजन आ गए टोटल कितने आगे ग्यारह अब सी एस थ्री ये कार्बन भी प्लेन में तो है ही तो ये कार्बन प्लेन में कार्बन कार्बन तो एक कार्बन और है ठीक है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो तीन हाइड्रोजन एक प्लेन में और दो अलग है भाई कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो प्लेन में है ना कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन क्या है प्लेन में तो बेंजीन हो गई बेंजीन के साथ कार्बन हो गया कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो गया तो टोटल कितने हो गए ग्यारह और एक बारह और एक तेरह टोटल कितने होंगे तेरह ये ध्यान रखना कितने आंसर क्या आएगा आपका सी ये अधिकतम संख्या है प्लेन में ठीक है कार्बन छह तो हो गए पांच हाइड्रोजन के साथ ग्यारह एक ये कार्बन आपका क्या आएगा प्लेन में तो आएगा ठीक है बारह और तीन हाइड्रोजन में से दो उठे साइड में होंगे और एक उसके साथ प्लेन में होगा ठीक है तो कितने हो गए तेरह तो तेरह हाइड्रोजन तेरह एटम्स आपके क्या होते हैं प्लेन में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है उ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑफ्टेन बाई द ओजोनालाइसिस ऑफ फॉलोइंग आपको ऑर्थोजाइलिन दी है और ऑर्थोजाइलिन का आपको क्या करवाना है ओजोनालाइसिस जो स्ट्रक्चर आपको दी है ये आपकी क्या है बेंजिन ऑर्थोजाइलिन जो है उसमें जो बेंजिन है उसकी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ठीक है तो इसमें एक तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे ओजोनालिस करवाओगे तो ये बोन्ड ब्रेकिंग होगी बेटा डबल बोन्ड की सेकेंड आपका ओजोनालिस ये बोन्ड ब्रेकिंग होगी थर्ड आपकी ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ठीक है तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा आपका क्या सी एच डबल बॉन्ड ओ बी एच डबल बोन ओ गईक बनता है सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बनेगा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ बोंड सी एच डबल बॉन्ड ओ राइट मिथाइल ग्लाई बनता है और थर्ड जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बनेगा ओके okay? तो आपके कितने मोल बनते हैं इसमें टू मोल आपके क्या बनेंगे मिथाइल ग्लाइक्सल बनेंगे बट आपको ध्यान है इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कौन सी होगी ये लीजिए ठीक है और इसमें जब आप क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर में तो एग्जिस्ट करती नहीं है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं ना तो इस स्ट्रक्चर में जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये बनेगी ओके और इसमें जब आप करवाओगे तो बोन ब्रेकिंग एक आपके पास ये हो जाएगी सेकेंड ये हो जाएगी और थर्ड ये हो जाएगी ठीक है तो इसमें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका सी एच डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ कितने मोल बनेंगे दो मोल ठीक है और एक आपका बन जाएगा बेटा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री एक मोल आपका ये बनेगा तो आपसे मैंने पूछा है हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन तो ध्यान रखना आपको बेंजिन की दोनों स्ट्रक्चर यानी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है ठीक है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये तो आपका एक टाइप का हो गया वन टाइप तो ये हो गया नाम क्या इसका बेटा ध्यान रखना ओके एक आपका ये हुआ कौन सा मिथाइल और दूसरा आपका ये हुआ कौन सा डाई मिथाइल ग्लाई टोटल कितने प्रोडक्ट बने आपके कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बने तो आंसर होगा आपका बेटा क्या थ्री ये ध्यान रखना आंसर क्या होगा थ्री यानी तीन टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें बनते हैं बट एक चीज ध्यान रखना आपको क्योंकि आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो okay, है दिया है। Fourth question में आपकी इसकी रिएक्शन करवा रहे पन। तो ए आपका क्या बन रहा है ए आपका? CL2 के साथ करा रहे reaction, में कहीं से भी आपका हाइड्रोजन निकाल दो क्लोरीन लगा दो प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी ठीक है फिर बाद में आप एल्कोलिक हो एल्लिक के साथ तो कौन सी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहां से एच जाएगा और यहां से बेटा जाएगा साइक्लोहेक्सिन बन जाएगी फिर क्या करवा रहे हो एनबीएस के साथ करवा रहे हो तो एनबीएस के साथ करा रहे हो तो वही एलिनिक सब्स्टिट्यूशन होगा ठीक है तो यहां पे किसका टेक हो जाएगा बी आर का ओके फिर बाद में किससे रिएक्शन करा रहे हो वही एल्कोलिक से वापस करवा रहे हो ठीक है तो बी आर जाएगा पास वाले हाइड्रोजन ये तो क्या है स्टेबल है ना इस साइड तो ये ध्यान रखना तो ये बन जाएगा आपके डाई इन बन जाएगी फिर अगेन किससे रिएक्शन करवा रहे हो आप सी एल टू से एचन यू की प्रेजेंट में सीएल है ध्यान रखना है ठीक है तो यहां किसका टेक हो जाएगा सीएल का एलिलिक पोजीशन पे ओके किसी भी बॉन्ड की एल पोजिशन पे क्या हो जाएगा सीएल का टेक हो जाएगा राइट फिर किससे करवा रहे हो क्यों से वही क्यों से करवा रहे हो यहां से एच जाएगा और ये दोनों बीच में से निकलेंगे क्या बन जाएगा बेंजिन बनेगी बेटा ये आपका एफ हो गया ध्यान रखना क्योंकि ये आपका क्या है ए ये आपका क्या है बी ठीक है ये आपका क्या है सी ये आपका क्या है डी यह आपका क्या है ई e. और यह आपका क्या है एफ आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ और एफ ठीक है अनु पूछा है डी यू और डी यू कैसे निकालते हैं पाई पाई बॉन्ड प्लस रिंग बॉन्ड कितने बेटा तीन रिंग कितनी है एक तो कितने हो गए चार ए संतृप्त की कोटी पूछी है ठीक है कैसे निकालते हो पाई बॉन्ड प्लस रिंग निकालते हो ना तो पाई बॉन्ड कितने इसमें थ्री वन टू थ्री और रिंग कितनी होगी आपकी एक तो थ्री प्लस वन इजिकल टू फोर तो आंसर क्या आएगा आपका फोर ठीक है नेक्स्ट चले फिर आपको दिया सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एल ये कह रहा है एक्स के साथ रिएक्शन करवानी है वही आपका देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ध्यान रखना क्या बेटा स्ट्रॉग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है कौन सी होती है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे HCl जाएगा ये तो बोलो कितने मोल काम आ रहे आपसे X पूछा है क्या पूछा है X तो कितने मोलिक्यूल काम आए यहाँ पे दो क्योंकि आपके यहाँ से टू HCl जा रहे हैं ठीक है तो कितने मोल काम आएंगे एन के दो फिर क्या बन गया आपका प्रोपाइन बना प्रोपाइन की फिर रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ एनएसटू के साथ तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा आपका किसकी रिएक्शन होगी इसकी और इसके साथ तो ये बनेगा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे आ जाएगा एन ए क्योंकि एनएस टू किसके साथ जाएगा एच के साथ एनएस थ्री और फिर किसके साथ करवा रहे हो सी एस थ्री सी एल के साथ तो सी एल किसके साथ जाएगा एन ए के साथ क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड सी एस थ्री यही प्रोडक्ट है ना आपका तो एन एच यहां कितना काम आया बेटा बोलो एन एन एच यहां पर कितना काम आया एक यहां कितने काम आए तो x की वैल्यू कितनी हुई दो y की वैल्यू कितनी हुई वन तो टू प्लस वन इज इक्वल टू आंसर क्या होगा थ्री यहां कितने मोल काम आ रहे हैं के स्ट्रॉन्ग बेस के दो मोल हो रहे हैं ठीक है, है. यहां कितने मोल काम आ रहे बेटा आपके सिंगल मोल काम आ है तो अक्स की वैल्यू टू होगी Y की वैल्यू क्या होगी थ्री होगी टोटल आंसर क्या होगा थ्री होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आइसोपेंटेन चार मोनोब्राइ मोनोब्रोमाइड समाव व्युत्पन्न बना सकता है उनमें से कितने प्रकाशिक है आइसोपेंटेन दिया है यह आपकी आइसोपेंटेन होती है और बिल्कुल इसने कहा है कि अगर ब्रोमिन से रिएक्शन करवाएं तो चार बनाएगा चार कौन कौन से बनाएगा पहला मैंने क्या कहा यहाँ टेक होगा यहाँ टेक होगा यहाँ टेक होगा यहाँ टेक होगा तो फर्स्ट अपन लेते हैं सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू बी आर ये फर्स्ट नंबर वाला सेकेंड अपन लेते हैं सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री पर बी आर का टेक हो जाएगा सी एस थ्री ये दो नंबर वाला थर्ड अपन लेते हैं ये थर्ड नंबर यहां टेक करवाते हैं और फोर्थ नंबर यहां टेक करवाते हैं तो ये बनेगा सी एस थ्री सी यहां पे बी आर का टेक ठीक है ओके और फोर्थ अपन लेते हैं बेटा सी एस थ्री सी इस पे बिहार का टेक ये सी एस थ्री यहां सी एस टू और ये सी एस थ्री ओके अब ये पूछ रहा है कौन कौन सा कायरल है प्रकाशिक यानी प्रकाशिक रूप से सक्रिय है ठीक है तो देखो ये कायरल नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन तो ये कायरल नहीं है कार्बन पे कितने दो हाइड्रोजन आ रहे हैं ना यहां देखें तो ये कार्बन आपका कायरल है क्या है बेटा कायरल है काइरल है तो एक तो ये खुद हो गया और एक इसकी मिरर इमेज बन जाएगी यहां पे कितने हो गए दो और देखें अपन यहां दोनों सी एस थ्री सेम है तो ये काइरल नहीं है यहां देखें तो ये वाला कार्बन क्या है काइरल देखो ये वाला कार्बन क्या है काइरल तो दो इसके बनेंगे अगले ने पूछा है प्रकाशिक रूप से सक्रिय है तो एक ये भी तो बनेगा एक इसका ये बनेगा तो दो ये हो गए बेटा दो ये हो गए तो टू प्लस टू आंसर आपका फोर होगा कितने प्रकाशिक इसने पूछा उनमें से कितने प्रकाशिक रूप से सक्रिय है तो फोर होगा आंसर ध्यान रखना क्या होगा बेटा फोर होगा ओके चले नेक्स्ट चले

ठीक है तो कितनी जगह हो सकता है बेटा चार जगह हो सकता है तो अपना CS3, CS, CS3, है ना किसका फॉर्मूला फर्स्ट सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री उल्टा कर लीजिए ना सी एस टू सी डब्ल्यू एच क्योंकि आप इसको हीट करोगे सोडा लाइम के साथ CO2 निकल जाएगी बन जाएगा वो ठीक है एक ही हो जाएगा दूसरा कौन सा होगा इसको हिट करोगे सीओ टू निकल जाएगी यह बन जाएगा राइट तीसरा कौन सा होगा बेटा इसको हिट करोगे सीओ टू निकल जाएगी यह बन जाएगा और चौथा कौन सा होगा इसको हिट करोगे ये बन जाएगा टोटल कितने होंगे चार होंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा फोर स्टीरियो छोड़ने हैं स्टीरियो नहीं है ध्यान रखना मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दिया एस सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ टू वन फार फार शिक्स। शिक्स। तो थी 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन सिक्स हाइड्रोजन ट्वेल्व तो थ्री थ्री सिक्स सेवन नाइन इलेवन टक्सीजन दो ये आपका आंसर होगा तो ये चार आइसोमर बनेंगे आपके ये ध्यान रखना ठीक है आंसर फोर होगा नेक्स्ट क्या दिया है आपको दिया है ये एक स्ट्रक्चर दिया और उसकी कैल्कोलिक केवच के साथ रिएक्शन करवाई है तो दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न एल्किनो की संख्या पूछी है ठीक है उत्पन्न एल्किनो की संख्या तो भैया इसमें कौन कौन जा सकता है सीएल जाएगा और सीएल के पास वाले हाइड्रोजन जाएंगे पास कौन है बेटा आपका ये भी है आपका ये भी है आपका ये भी है तो आपकी स्ट्रक्चर देखो ये राइट एल्कोलिक के साथ करवाओगे तो बेटा ये चला जाएगा ठीक है प्रोडक्ट क्या बनेगा एक तो ये बनेगा अगर इस साइड से आप निकालते हो तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा राइट और बेटा ऊपर वाला ये हाइड्रोजन निकालते हो तो तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां लिख देता हूं नीचे लिख दिया मैंने ठीक है, है। ये अलगिन तो टोटल कितनी अलगिन बनी तीन अब ध्यान रखना तो इसके तो दो बन जाएंगे ना एक सिस बन जाएगा और एक ट्रांस बन जाएगा भाई एक तो क्या बन जाएगा सिस और एक क्या बन जाएगा ट्रांस ओके इसके भी कितने बन जाएंगे दो बन जाएंगे एक सिस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा ट्रांस बन जाएगा हाँ या ना ठीक है दो और दो चार और ये सिस और ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम है तो ये और ट्रांस नहीं देगा तो कितने हो गए बेटा दो प्लस दो प्लस एक टू हुए? पांच। तो आंसर क्या आएगा आपका पांच आएगा ठीक है तो आंसर आपके फाइव चले नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है इनो की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो उत्प्रेर के अब पर पर एथिल फोर मेथिल आपसे पूछा है, आप है हेप्टेन थ्री पे क्या पूछा है एथिल तो थ्री पे एथिल फोर पे क्या पूछा है मेथिल राइट तो ये कह रहा है ना अपचैन करवाना है उत्प्रेर की अपचैन है लीजिए कोई निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दे तो अल्काइन पूछा है तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगाना तो लेते ले ले हैं सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। हो क्या ज्यादा एक हटा देते हैं ठीक है यहां आपका सी टू एच फाइव है यहां आपका सी एस थ्री है यही है तो ट्रिपल बॉन्ड यहां आ सकता है एक दूसरा कहां आ सकता है यहां तो यहां यहां आ सकता है आपका यहाँ सी एस थ्री है क्या नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता कि सर तीन चार पांच बॉन्ड हो जाएंगे यहां भी नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता इस जगह इस जगह और इस जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता क्या आएगा सिंगल कहा आ सकता है यहां ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है तो तीसरा जो बनेगा आपका यह बनेगा सी एस थ्री सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी सी एस थ्री जो भी वो बाद में पूरे कर लेंगे सी टू एच फाइव बैलेंस ही बाद में पूरे कर लेना आप सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये लीजिए तो टोटल कितनी अलकाइनें हो सकती है भाई इनका अगर आप कैटलिस्ट रिडक्शन करवाओ उत्प्रेरक के अब चैन करवाओगे ठीक है ओके तो आपके ही मिलेगा राइट सही है ना ठीक है उत्प्रेर के सॉरी रिडक्शन है ध्यान रखना उत्प्रेरक की प्रेजेंस में रिडक्शन है ओके तो टोटल कितनी एल्काइन है भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने वो उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण समझ लिया तो आंसर क्या होगा थ्री। ठीक है चले आइसोपेन्टेन बनाने के लिए कितने एल्कीन एल्काइन एल्काडाइन को हाइड्रोजनीकृत किया जा सकता है आइसोपेन्टेन बनाने के लिए कितने एल्कीन, अल्काइन और अल्काडाइन को हाइड्रोजनीकृत किया जा सकता है ठीक है एक एल्कीन तो आपकी ये हो सकती है बनाना क्या है ठीक है डबल बोन यहां नहीं आ सकता आ सकता है क्या नहीं आ सकता देखो देख ले। देख लेते हैं सी एस थ्री सी सी एस थ्री आ सकता है एक ही होगी राइट दूसरी क्या हो जाएगी एक ही हो जाएगी तो डबल बोन कितनी जगह आ सकता है बेटा तीन जगह आ सकता है डबल बॉन्ड आ सकता है यहां आ सकता है और यहां आ सकता है या ना ठीक है ये तो अल्किन हो गई फिर अल्काइन बोल रहा है तो अल्काइन तो एक ही हो सकती है ट्रिपल बोन यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता नहीं आ सकता यहां आ सकता है तो ट्रिपल बॉन्ड ये अलकाइन हो सकती है ये अलकाइन हो गई ये अलकीन हो गई कितने हो गए चार नेक्स्ट क्या दिया एल्काडाइन तो एल्काडाइन और देखते हैं एल्काडाइन बेटा ये होता है सी एस टू डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू दो डबल हो ये हो सकता है इसका भी करवाएंगे तो ये बन जाएगा और बोलो क्या हो सकता है दोनों डबल बॉन्ड लगातार भी हो सकते हैं सी एस थ्री सी सी एस थ्री दोनों डबल बॉन्ड लगातार लेने हैं एलिन ये भी हो सकता है नाम भले एक जैसे हो लेकिन क्वेश्चन सारे अलग टाइप के हैं ओके ठीक है तो टोटल कितने बने अल्किने कितेने टोटल कितनी है थ्री। कितनी है सर एक और अल्काडाइन कितनी है सर दो ठीक है तो क्या हो गया थ्री प्लस वन प्लस टू इक्वल टू सिक्स आंसर सिक्स राइट होगा बेटा आंसर क्या राइट होगा सिक्स ये ध्यान कर लेना ठीक है नेक्स्ट आ जाइए क्या पूछा है कितने मोनोक्लोरिनिकृत उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं त्रिविम समावयवी सहित सहित पूछा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर किसके एन पेंटिन के आपको एन पेंटेन दिया है क्लोरीन से रिएक्शन दी है किसकी प्रेजेंस में सनलाइट बोलो क्या क्या बनेगा बेटा यहां टेक होगा यहां टेक होगा यहां टेक होगा आया ना फर्स्ट क्या बनेगा ये बनेगा दूसरा क्या बनेगा बेटा राइट तीसरा क्या बनेगा बेटा तीन तो बनेंगे हाँ या ना अब इनमें से ध्यान रखना कौन सा है आइसोमर दे रहा है देखो इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम है ये नहीं देगा इसमें ये कार्बन क्या हो गया किरेल हो गया ध्यान रखना ये कार्बन क्या हो गया बेटा किरेल तो इसका दूसरा बन जाएगा ठीक है और इसमें ये दोनों सेम गए तो किरेल नहीं है तो ये एक रहेगा इसके दो बनेंगे और इसके कितना बनेंगे टोटल कितने बनेंगे चार आई बात समझे टोटल कितने बनेंगे भाई बीच वाले एक दो तीन तीन तो बनेंगे और ये वाला जो बनता है वो कौन सा बनता है कायरल बनता है और कायरल बनता है तो वन टू वन इजिकल टू फोर आंसर क्या होगा फोर होगा ठीक है नेक्स्ट करें अच्छा क्वेश्चन दिया आपको बेंजिनिंग दी है बीच में सीओ एस्टर ग्रुप दिया है फिर दिया और इसकी पूछी है। कौन सी पूछिए हेलोजिनेसन फिर इसने कहा है कि मुख्य उत्पाद बताना प्रमुख उत्पाद में बी आर प्लस इस अंक पर आक्रमण करता है ओके okay, मुख्य उत्पाद में तो मुख्य उत्पाद में आपके ध्यान रखो क्या दिया है ये दिया ना बेंजिन सी डबल बॉन्ड ओ ओ फिर आगे बेंजिन दिया है यही दिया ना और यहाँ आपके बाद में आपको एक्स्ट्रो ग्रुप दिया है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा बेटा ये बताओ लोन पेयर है ठीक है तो यहाँ और बनेगा पैरा और पैरा पोजिशन कौन सी हो गई थ्री नंबर की पोजिशन हो गई तो बी आर प्लस का अटैक कहा होगा थ्री पे अटैक होगा बी आर प्लस का अटैक कहा होगा थ्री पे राइट तो आपका आंसर आएगा इसमें कौन से अंक पे तीसरे अंक पे होगा ध्यान रखना ठीक है नंबर थ्री पे क्या होगा अटेक होगा आ जाइए फिर आपको दिया है क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आपको टोटल प्रोडक्ट बताने हैं आपको कंपाउंड दिया है एचबीआर की रिएक्शन दिए तो देखो करवाएं अपन यही दिया ना ये दिया और इस एच बी आर क्या टेक दिया तो भैया करवाते जाओ पहला इस पे क्या किसका टेक हो जाएगा बी आर का यहां किसका टेक होगा एच का दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ किसका टेक हो जाएगा बेटा बी आर का भाई सिचुएशन के हिसाब से करवाऊ ना देखो यहाँ किसका टेक होगा बीआर का दूसरे यहाँ हो जाएगा तीसरा यहाँ हो जाएगा चौथा यहाँ हो जाएगा हाँ या ना चार जगह टेक हो सकता है तीसरा क्या बनेगा देखो यहाँ बीआर का टेक हुआ अब यहाँ से क्या निकालोगे एच और एच की शिफ्टिंग करो तो बीआर पे तो यहाँ किसका टेक हो जाएगा बीआर का हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवानी है ध्यान रखना ओके तो यहाँ बी का टेक थर्ड ये बनेगा फिर यहां से किसका टेक हो जाएगा बेटा सीएस थ्री तो सीएस थ्री इधर और बी आर का यहां हो जाएगा यहां किसका टेक बी आर का ओके okay. कितने प्रोडक्ट बने चार प्रोडक्ट पॉसिबल देखो जगह एक बी आर का टेक फिर दो फिर यहां तीन फिर यहां चार कितनी जगह बी आर का टेक जिसमें सबसे मेजर जो होगा ठीक है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये वाला ये वाला मेजर है ये वाला मेजर है ये वाला भी मेजर है ये प्रोडक्ट आपका क्या है माइनर है ध्यान रखना बट मेजर माइनर आपसे ने आप पूछा तो कहा छोड़कर संभावित उत्पाद की संख्या वन टू थ्री फोर कितने बनते हैं फोर बनते हैं ध्यान रखना स्टीरियो आइसोमर नहीं बताने केवल आपको स्ट्रक्चर बताने हैं ठीक है तो कितने बनते हैं बेटा चार बनते हैं ओके नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्केन ऑन रिडक्शन विद H2 अब H2 Pd यानी उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण दिया कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन दिया है ठीक है ये कह रहा है इनमें से कौन-कौन से का ऑप्शन होने पर एल्केन बनता है आपको पता है कि साइक्लोप्रोपेन क्या होती है अनस्टेबल होती है तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3 बन गया ये पता आपको रिएक्शन देता है तो इसकी एस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा सी एस थ्री बोन्ड सी एस थ्री ये दोनों स्टेबल होती है तो इसका रिडक्शन नहीं होगा इसका भी रिडक्शन नहीं होगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका रिडक्शन होगा क्या बनेगा वही सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री तो निम्न विचित में से किस किस का यानी किसके एस टू है ठीक है तो कितने हुए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्केन कितने अल्के आपके आंसर होंगे तीन कितने कंपाउंड यहाँ पे आपके अल्केन देते हैं

तो को छोड़कर बनाओगे तो एक तो आपका यहां टेक होगा एक यहां टेक होगा एक यहां टेक होगा एक यहां टेक होगा टोटल कितने बन जाएंगे चार बना लीजिए बेटा एक दो तीन ठीक है एक रह गया ना बीच में चार। ओके। अगर ये आपसे पूछता कि इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर तो ज्यादा बनते फिर बाद में इसमें अपने को कायरल देखना होता क्या देखना होता है कायरल बट यहां आंसर क्या दिया आपको? स्टीरियो आइसोमर दिया है तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में आपके कितने बनेंगे चार बनेंगे आपके आंसर कितने होंगे बेटा फोर ठीक है ओके ठीक है इसका आंसर कितना आ जाएगा फोर ठीक है बेटा ओके धन्यवाद थैंक्स